हाथों से गोली मार दूंगा। जब कुछ तुम्हारे पास निकाल। सब लोग अपने अपने जेवर उतार कर यहाँ पर रखो। इधर आ, सारे गहने उतार करके यहाँ सामने रख। देख क्या रहे हो तुम लोग, जल्दी करो नहीं तो सबका शूट कर। अरे देखो देखो देखो, दरवाजा बंद करो। कौन है तू? बारिकल, बारिकल। शाबाश, पब्लिक को ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग ऐसे अलर्ट रहेंगे तो हम जैसे पुलिस वालों का काम आसान हो जाएगा। सर हमारा सब कुछ टूट गया सर। आप लोगों का सामान कहीं नहीं जाएगा, मुझ पे विश्वास रखो। पुलिस स्टेशन आके सामान कलेक्ट कर लेना। सर हमारा सर, सोना। हमारा गहना सर, चूड़ियां सर। ये क्या, एक साथ सोना, गहने, मंगलसूत्र, चूड़ियां, क्यों कह रहे हैं? जैसे ही मुहूर्त का समय आया ना सर, डकैत लोग शादी के फंक्शन में धड़ाधड़ घुस गए। उसके बाद पुलिस वालों ने उन डकैतों को अरेस्ट करके आपके पुलिस स्टेशन में आकर गहनों को कलेक्ट करने के लिए कहा था। हाँ। वो कोई हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स नहीं थे। इसका मतलब जो पुलिस वाले थे वो भी चोर। हवा में ऑटो उड़ाकर हमारे सामने खड़ी हो, खुद को किसी फिल्म का हीरो समझ रही हो? तुम जैसे गुंडों को मारने के लिए किसी हीरो की जरूरत नहीं है। तुम लोग तो वैसे ही पिद्दी हो। तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ, और गलत रास्ते पर चलने वालों के तो मैं टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। भूलो मत कि तुम एक औरत हो और तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वो सब मर्द हैं। और तुम जैसे मर्दों को भी औरत ने ही पैदा किया है, तुम ये बात भूलना मत। ज्यादा डायलॉग मत मार, आंखें खोल कर देख, यहाँ पर हम 20 लोग हैं। है तुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है रे? तुमने मर्द कहा ना, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तेरी तुम है? खत्म कर दो इसे।
आजा। चोरी का सामान। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सरदर्द बने हुए चोरों के पुराने गैंग को शहर में ऑटो चलाने वाली गंगा ने डकैतों को मारकर उन सबको पुलिस के हवाले कर दिया। अरे मौसी टीवी पर आ रही है। ये तो बस मेरा फर्ज था जो मुझे निभाना है। माँ, एक औरत होकर मर्दों वाला काम किया है। माँ जल्दी बाहर आओ। माँ जल्दी आओ। माँ क्या कर रही हो? अरे क्या हुआ? माँ टीवी पर मौसी आ रही है। उन्होंने ये भी कहा देखो ना इन्हीं की तरह अगर हिम्मत दिखा। सच में मौसी ने तो कमाल ही कर दिया। और एक औरत होकर जिस तरह इन्होंने दीदी ये सब क्या है? शादी लायक बच्चे हो गए हैं और आप खुद बच्चों की तरह रो रही हैं। मौसी ये रोने रही है, ये खुशी के आंसू हैं। तो चुप कर सुन, घर सिर्फ तेरे ही सहारे चल रहा है, तेरे बगैर हम क्या करेंगे? अगर तुझे कुछ हुआ तो हम भी जी नहीं पाएंगे। दीदी दीदी इतनी छोटी सी बात के लिए इतना इमोशनल हो रही हैं आप। देखो जब तक तुम सब मेरे साथ हो ना, मौत मेरे आसपास भी नहीं मनराएगी। तो ऐसी बात मत कर। अच्छे से हैप्पी सीन को सेंटिमेंटल सीन क्यों बना रही हो? तुझे कुछ नहीं पता, वो लोग बड़े बड़े गुंडे लोग हैं और अगर मेरी गंगा को कुछ हो गया तो। माँ मौसी पिज्जा बर्गर खा के बड़ी नहीं हुई है, यहाँ की देसी देसी घी खा के बड़ी हुई है। आप अर्जुन ये तुम्हारे मेडिकल कोर्स के लिए कुछ बुक्स ले आना और उसी के साथ अनु के कंप्यूटर कोर्स की फीस भी भर देना। गंगा गंगा जी की जय। माँ जी गंगा जी की जय। गंगा जी की जय। इसकी क्या जरूरत थी भैया? देखो बेटी, बगल के घर में आग लगी है उससे हमें क्या, ऐसा सोचने वाले बहुत हैं। लेकिन तुम लड़की होकर बड़े बड़े गुंडों को मारा, ऑटो वालों की जो तुमने इस तरह से शान बढ़ाई है, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। अगर तुम्हारी जैसी लड़की हर एक घर में पैदा हो जाए तो हर घर नंदनवन जैसा हो जाएगा। ऑटो कहाँ जाना है? चंद्रालय होटल तक चलोगे भाई? चंद्रालय होटल क्यों, चंद्रलोक तक भी जाऊंगा। मीटर डालो, जहाँ तक बोलोगे वहाँ तक चलूंगा। ठीक है मीटर डालो। क्या बात है भाई, हमारे यहाँ के हीरो के सुपर जोड़ी के फोटो लगा कर रखे हो। जैसे इन सब की जोड़ी है वैसे ही एक और जोड़ी है गुरु। अपनी इन दोनों आंखों से नीचे तो देख जरा। ये दोनों तो चोर जैसे दिख रहे हैं। अरे ओ भाई अपनी आंखें टेस्ट करा, फिल्म में अगर ये जोड़ी दिख जाए तो सुपर हिट हो जाएगी। चल अंदर बैठ। चलो सुन ले, हम दोनों की दोस्ती की लोग कसमें खाते हैं। सही बात। हम दोनों दो शरीर और एक जान है। दोनों के खाना खाने का प्लेट एक है, दोनों के पानी पीने का ग्लास एक है, दो नंबर के लिए लोटा भी एक है। उसका पैंट मैं पहनता हूँ, मेरा पैंट वो पहनता है। अंडरगारमेंट्स भी एक ही पहनते हो? उसका मुझे फिट नहीं होता इसलिए नहीं पहनता। एक मिनट, कौन सा गाँव है बेटा तुम्हारा? रामगढ़ के जय वीरू है। हमारी दोस्ती को देख के तो छोले फिल्म बनी थी। ओ, तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू गई। अब तो तुम्हारे दोस्त से मिलने का मेरा दिल कर रहा है। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? ए दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना। ब्रदर माय डियर लव, माय डियर कुछ कुछ क्या बातें बता।
इस मैडम के बच्चे को चिंपैंजी ने पकड़ रखा है। उस चिंपैंजी का मुकाबला हमें से कोई नहीं कर सकता। मुझे लगा तुम उसके जैसे दिखते हो तो तुम्हें अपना रिश्तेदार समझेगा। Very good. Take this. अभी आ रहा हूँ। Yeah? Song please. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिद्ध उलोक उजागर। जय बजरंग बली। यस यू। ये तो बच्चे को लौटा ही नहीं रहा। क्या करूं क्या करूं। यस आइडिया। सो जा मेरे प्यारे ला, तुझको लोरी सुना रहा हूँ। आये आये बच्चा मिला। ये ले। मेरे दोस्त को जाने का लेकर चला गया। किसी जंगल में जाकर उसे अभी तक ढूंढा नहीं क्या बेटा? चिंपैंजी उसे लेकर बेंगलुरु की गाड़ी में चढ़ा था, इसलिए मैं यहाँ आकर ऑटो ड्राइवर बनकर कभी इधर से उधर, उधर से इधर उसे ढूंढ रहा हूँ, फिर भी वो मुझे नहीं मिल रहा है। ऐसी बात है, इस तरह से ढूंढोगे तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। है? तुम एक काम करो। हाँ? ओकलीपुर गाँव में इस हाँ? एरिया के सबसे बड़े स्वामी रहते हैं। हाँ? उनका नाम मुर्गा स्वामी है। हाँ? वो तुम्हें जरूर उसका पता बता देंगे। मुर्गा स्वामी। अरे ये क्या, ये तो तुम स्वामी को ही डरा रहे हो। स्वामी जी मेरा सबसे अच्छा प्यारा दोस्त, मेरा रक्षक, पिछले 5 सालों से गुम है, ढूंढ रहा हूँ पर मिल नहीं रहा है। उसे देखने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए मेरा दिल तरस रहा है, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। तुम्हें क्या अंडा चाहिए गुरुजी? दक्षिणा 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 दक्षिणा। तुम्हारे फ्रेंड को काको काको किडनैप कर लिया है रे। किडनैप कर लिया है? देखा मारो मारो, बस वरना ये जिंदा नहीं रहेगा। इससे हमें बहुत राज जानने हैं, निकालो इसे। मुझे माफ कर दो। तू राम मल्ली का पीए है ना? राम मल्ली का पीए? मेरे पास मूंगफली खाने के पैसे नहीं है, मैं राम मल्ली का पीए कहां से बनूंगा? वो कहां, मैं कहां? मैं वो नहीं। कृपया करके भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आपको आपकी पूछो छोड़ दीजिए। ला फोटो दे इधर। इस फोटो में तू ही है ना?
भाई ये मैं नहीं हूँ, ऐसा सेम घुघरेला बाल देखकर आपको मिस्टेक हो गया, ये क्या कर दिया आपने? ये तो सही बोल रहा है। एए, मैंने उस आदमी को लाने के लिए कहा था, उसकी जगह तुम लोग इस जोकर को क्यों उठा लाए? इस फोटो में मैं नहीं हूँ, आपको पता चल गया ना, अब मैं चलता हूँ, थैंक यू। अभी रात होने वाली है, हम लोग जंगल के बीच में हैं। एक काम करो, आज रात यहीं रुक कर कल सुबह चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। दूसरी रील बताने के लिए पैसे हैं क्या? मेरे पास जितना पैसा था वो मैंने अंडरग्राउंड में डाल दिया है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही आइटम है, वो मेरा नारा। सोने का है या चांदी का? अरे स्वामी जी वो तो कपड़े का है। लगता है स्वामी जी को जोर से दो नंबर आई है। वो स्वामी जी का मूड ऑफ हो गया। हाँ, अब अगर तुम ऐसे बैठे रहोगे तो या तो कुत्ता या फिर बंदर बन जाओगे। जल्दी भाग जाओ यहाँ से। गंगा दीदी, अरे जरा आके चाय पी लो। दीदी और दीदी के बच्चों के लिए स्पेशल खाना लेकर जा रही हूँ, अभी जाना होगा, बाद में मिलती हूँ भैया। इसे जब भी देखो बस अपनी दीदी और बच्चों के बारे में ही सोचती रहती है, अपने बारे में तो जैसे सोचने का वक्त ही नहीं है इसके पास। वो लोग और उनका घर बस वही उसकी दुनिया है, दिन रात उन्हीं के ऊपर ध्यान रहता है, ऐसी है गंगा। मौसी, मौसी क्या लाई हो? तुम लोगों की परीक्षा चल रही है, अगर ऐसे वक्त में हम लोग बाहर गए तो टाइम वेस्ट होगा ना, तो होटल को ही मैं घर में ले आई। टी, इसमें ध्यान लगाने की शक्ति है, इसमें रुचि है, अब बिना सोचे फट से पी जाओ। थैंक्स मौसी, तुम अब तक सोई नहीं क्या? अनु, हम अपने लक्ष्य को एक बार के लिए भूल सकते हैं, लेकिन मौसी कभी नहीं भूलती, ठीक कहा ना मौसी? सही कहा तुमने। मौसी, लाइट चली गई। टन टन, ये लो। मौसी, ये कैंडल लाइट बिल्कुल बेड लैंप जैसा है, हम सो जाएंगे, पढ़ाई पूरी नहीं होगी मौसी। हाँ मौसी। लाइट अभी आ गई। सुपर सुपर मौसी, आपको इंजीनियर बनना चाहिए था, आप बेकार में इसमें पैसे खर्च कर रहे हैं। अनु, इसकी बात पर ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दे। आपके कहने पर मैंने उसे फोन करके बुलाया, लेकिन वो धोखेबाज अभी तक आया नहीं। वो सोचता है आप उसे कॉर्पोरेटर का सीट दिलवाने वाले हैं। उसने जब से ये बात सुनी है कि आपको सीट मिलने वाला है, तब से वो सीट पाने के चक्कर में है, और मुझे लग रहा है कि वो इसके लिए प्लानिंग कर रहा है। दादा, दादा, नमस्ते दादा, कैसे हो आप दादा? पार्टी प्रेसिडेंट ने मुझे फोन किया था, लोगों का बहुत सपोर्ट है मुझे, इसलिए वो सीट मुझे देने वाले हैं। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? दादा, आप तो किंग मेकर हो दादा, आपको किंग नहीं बनना चाहिए। पर मैं तो बनना चाहता हूँ। वो क्या है दादा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। दादा, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। आप एक बार मुझे एमएलए तो बनाइए, मैं जिंदगी भर के लिए आपकी गुलामी करूंगा। सुन लो सब लोग, चेला जैसा बोलता है वैसा ही होना चाहिए। ये अभी भी मेरा गुलाम है, आगे भी गुलाम रहेगा, और गलती से अगर अगला जन्म ले लिया तो भी मेरा गुलाम बनकर ही पैदा होगा। अगर तुमने मरने वाले का साथ दिया तो उसी की तरह तुम भी मरोगे, और मेरे साथ आओगे तो रुपयों में खेलोगे। कोटे, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। देवराज भाई के, देवराज भाई के।
दीदी दीदी क्या हुआ? अर्जुन की फोटो पेपर में आई है, दिखा। दीदी दीदी अर्जुन अर्जुन अनु सुन तो दीदी, क्या बात है मौसी? अपना अर्जुन कॉलेज में फर्स्ट आया है, ये देखो। अरे अरे ए अनु, अरे नहीं दूंगी, अरे मुझे दिखाना, पकड़ो अनु। ए ए अनु, अनु ए अनु प्लीज। गंगा अर्जुन अनु कैसे हो तुम लोग? इतने सालों तक आपका ये प्यार कहाँ रह गया था? हाँ अचानक क्यों जाग उठा? दीदी ये क्या? अब क्या बताऊँ यमुना, मेरा पति दिन रात पी पी कर मुझे छोड़कर चला गया, फिर मेरा बेटा किसी ऐरे गेरे को उठाकर ले आया और कहा कि ये इस घर की बहू है। उसके आने के बाद मेरा घर तो पूरा बदल गया, उसके इशारों पर ही डांस करने लगा है मेरा बेटा। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसने मुझे बहुत टॉर्चर करके घर से बाहर निकाल दिया। आपको देखकर तो टॉर्चर हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो बाहर नहीं दिखेगा बेटी, मैंने सारा दर्द सीने में दबा रखा है। मरने की भी मैंने बहुत कोशिश की। जिंदा कैसे रह गई? हाँ तुम लोगों को सिर्फ एक बार देखकर मरना चाहती थी, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। हो गया तो जा सकती हो। ठीक है भाभी, तुम लोग भी अगर यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तो फिर मैं अभी किसके लिए जीऊं? यहाँ से कहीं दूर जाकर आत्महत्या कर लेती। सुनिए भाभी एक मिनट, दीदी इन्हें अपने किए का पछतावा हो चुका है, आप और क्यों सजा देना चाहती हैं? ये तो अपनी गलती मान चुकी हैं, बस जीने के लिए एक मौका मांग रही हैं। इस उम्र में ये हमें ढूंढ कर भला यहाँ क्यों आएंगी? माफी मांगने पर भगवान भी माफ कर देते हैं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, ये सिर्फ हम ही नहीं ये भी जानती है। दीदी प्लीज इन्हें माफ कर दो और सुधरने का एक मौका दो। गंगा एक मौका देने को कह रही है तो इसमें बुरा लगने की क्या बात है? यमुना थोड़ा इस बारे में सोचो। मान जाओ दीदी। अर्जुन बैग ले लो। ठीक है माँ। अनु इन्हें अंदर लेकर जाओ। मेरी प्यारी भाभी। ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। चीनी रहो गंगा। चलिए चलो चलो। आप गंगा हो ना? हाँ सर। मैंने आपको टीवी में देखा है, वो पुलिस स्टेशन में गुंडों को पकड़कर आपने जमा करवाया था ना? हाँ सर। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। थैंक यू सर। सर आपका कोई रिश्तेदार यहाँ एडमिट है क्या? यहाँ एडमिट हुए सभी मेरे रिश्तेदार हैं। सर मैं डॉक्टर हूँ बेटी। मेरी गाड़ी रिपेयर के लिए गई है इसलिए ऑटो में आया हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते बेटी। इस मुर्गा स्वामी के तू सामने आकर मुर्गे के जैसा क्यों मार रहा है? स्वामी मेरे गांव में भी आपके जैसा एक स्वामी है, वो आपके जैसा ही दिखता है। वो हमारे गुरुजी हैं, सीनियर मुर्गा स्वामी। तो फिर टीवी में जो पागलों जैसा नाचता रहता वो कौन है? वो है हवास स्वामी। और वो मोटा सा कौन है जो नकली सोना पहने हुए घंटी बजाते हुए यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ घूमता रहता है? वो गोली स्वामी है। आगे बोलो स्वामी। ये लो अब मेरे फ्रेंड को क्या हुआ ये जल्दी से सेकंड रील में मुझे बताओ। तुम वहाँ देखो। ए, यार है। सुबह हो गई क्या? क्या हुआ तुझे? क्यों पता नहीं अब पेट में कुछ गड़बड़ जैसा लगता है। कल का खाया हुआ चिकन इधर से उधर से इधर जंप कर रहा है। इसको अनलोड करना है, टॉयलेट जाना है। टॉयलेट प्लीज। राइट जाके पहला लेफ्ट ले लो, पीछे एक दरवाजा है वही टॉयलेट है, जाओ। ओके थैंक यू बॉस। टॉयलेट इंडियन है या वेस्टर्न है? यूनिवर्सल। व्हाट इज दिस? अरे वाह यहाँ तो पानी भी तैयार है, वाह वेरी गुड। खुल जा सिम सिम। इसकी तो मैं नैया डुबाऊं।
यूनिवर्सल टॉयलेट। अरे तेरे मुंह में अट्ठू। हेलो गुड मॉर्निंग। अरे कितनी बदबू आ रही है यहाँ, सभी लोग बाहर ही हैं यहाँ। ये जगह थोड़ी अच्छी है। What is this? Oh, अरे तो बीन है। लेकिन इस जंगल में बीन कहाँ से आया? रिलैक्स होने के लिए। कितना हल्का फील हो रहा है। तुम लोग जाओ, मेरा अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं क्लियर करके ही आऊंगा, जाओ। अरे बोला ना खत्म करके आऊंगा, तुम लोग जाओ यहाँ से अभी। ये सांप अंदर क्यों चला गया? अच्छा तो ये बात है। स्वामी और दिखाओ और दिखाओ। अरे ओ पापी, तुम्हारे अंदर भक्ति श्रद्धा दान धर्म कुछ भी नहीं है, इसलिए भगवान मीटिंग कैंसिल करके सीधे स्वर्ग में चले गए। तो कब वापस आएंगे? भगवान भी अब कमर्शियल हो गए हैं। कुंडी में पैसा डालोगे तो ही वापस आएंगे। कुंडी में पैसा डालना है क्या? मेरे पास तो जो था सब खत्म हो गया। ये लो, ये नकली गोल्ड है स्वामी। उस दोस्त जितना सच्चा ये गोल्ड है स्वामी, उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये 24 कैरेट का प्योर गोल्ड है, जो मैं उसके नाम पे कुर्बान करने को तैयार हूँ। रुको रुको रुको, ले रख रख रख। अरे स्वामी जी पागल हो गए, स्वामी जी पागल हो गए, देखो देखो स्वामी जी पागल हो गए। दुष्ट स्वामी जी को पागल कहता है। मुझे गुस्सा आया तो तुम भिखारी बन जाओगे, भिखारी। वहाँ देखो, मैं हूँ खिलाड़ी, बाकी सब अनाड़ी। बाकी अनाड़ी। प्री मोशन हुआ इसीलिए खुशी से गा रहा हूँ सर। अरे पुलिस सर, आप लोग कहाँ से आ गए? आप लोग यहाँ पर सर? यू आर अ किडनैपर। सर मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ सर, मुझे इन लोगों ने किडनैप करके रखा हुआ है। आई एम इनोसेंट सर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर, थोड़ा सा लूज मोशन था इसलिए गया था सर। हाथ में क्या है? अच्छा ये सर H2O सर, वाटर सर। लाओ दिखाओ। धोने के लिए ले गया था सर, देख लीजिए। मेरी कोई गलती नहीं है सर। क्यों सर बदबू आ रही है क्या? ये पानी नहीं है, लिक्विड बॉम्ब है। लिक्विड बॉम्ब, इसलिए धोते समय मुझे गर्म गर्म लग रहा था। अरे स्थिर है, चलो 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 चलो। मेरी गलती नहीं है सर। वो अब मेरे दोस्त का क्या हाल है बताओ ना स्वामी। दक्षिणा दो, अब पैसा नहीं है मेरे पास। चला जाए यहाँ से, भाग। मैजिस्टिक रोड से आरडी नगर सर्कल तक 450 रुपए कैसे हो गया? ज्यादा नखरा मत कर, मीटर देख, पैसा दे और दफा हो जाए। तू गलत पैसे मांग रहा है, नहीं दूंगा। ज्यादा नखरा मत दिखा। क्या हुआ, झगड़ा क्यों कर रहे हो? पैसा दे और निकल यहाँ से, चल। अब आप ही बताइए, एक हफ्ता पहले की ही बात है, जब मैं मैजिस्टिक रोड से यहाँ तक आया था तो 150 रुपए लगा था, आज ये 450 मांग रहा है, बताइए कैसे दे दूं? देखो मैजिस्टिक से यहाँ तक आने के 150 रुपए ही काफी होते हैं, और तुम 450 मांग रहे हो, ये गलत बात है। मैं जो मांग रहा हूँ वही सही किराया है। क्या सही है? तुम जैसे लोगों की वजह से ही हम जैसे ऑटो वालों को भी गलत समझा जाता है। मेरा ऑटो, मेरा मीटर, मेरा पैसेंजर, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? जितना पैसा कहा उतना देकर जाए यहाँ से। जबान संभाल के, इन्हीं से हमारी रोजी रोटी चलती है और इन्हीं से बदतमीजी कर रहा है। न्याय के लिए मैं सर झुका भी सकती हूँ और अन्याय होता देखकर सर उठा भी सकती हूँ। वाह क्या बात कही है तूने बेटी, दिल खुश कर दिया भाई। मीटर का पैसा मांगा तो मैटर चेंज कर रही है। मैं मैटर चेंज नहीं कर रही हूँ, पहले तू अपना मीटर चेंज कर। हमारा बंदा 4 पैसे कमा रहा है, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? देख मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं तकलीफ दे सकती हूँ। अब तू मुझे मारेगी? मार के दिखा मुझे। बोल जितनी नाजुक है थोड़ा कम बोला कर, मेरा दिमाग घूमेगा ना, एक झटके में मसल दूंगा। औरत को कमजोर समझने की गलती मत करो, हुबली के गांव में कदम रखते ही सबसे पहले औरत का ही पुतला नजर आएगा वहां पर। Okay.
गलती होगी, माफ कर दो, अगली बार किसी से ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। अगली बार पैसेंजर से इस तरह से बात की ना तो। रुको रुको रुको, मत मारो बेटी मत मारो, ये लो अपने 150 रुपए। ले लो क्या? ले लो, अपनी नीयत सही रखो। जी, आपसे मुझे बहुत मदद मिली, मुझ जैसे जरूरतमंद की जो आपने ये मदद की उसे देखकर तो मुझे साक्षात दुर्गा देवी की याद आ गई। अरे वो कहां और मैं कहां, मैं बहुत छोटी। आपका दिल बहुत बड़ा है बेटी, चलता हूँ। जी नमस्ते। कितना हुआ मैडम? आपका बेटा इंटरव्यू में पास हो जाएगा सर। थैंक यू मैडम। घर के ऊपर एक इंग्लिश टीचर रहा करता था। मैं ना उसके पास आकर जाकर अंग्रेजी सीखी गई। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अनु अर्जुन मौसी, तो फिर कुछ लेकर आ गई? कल अनु और अर्जुन का जन्मदिन है ना, इसलिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। मौसी कपड़े लाई हो? अर्जुन ये तेरे लिए, अनु ये पकड़, दीदी ये तुम्हारे लिए, ये लो भाभी। अनु और अर्जुन के नाम से पूजा कीजिएगा, आज इन दोनों का जन्मदिन है। अच्छी बात है, आयुष्मान भव। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दीदी अच्छा है ना इन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पर आता है। अरे मौसी हम दोनों का जन्मदिन है लेकिन ये मुझसे 2 साल बड़ा है, जब मैं दोस्तों को ये कहती हूँ तो वो लोग मुझ पर बहुत हंसने लगते। अच्छा ये बता भगवान से क्या मांगा तूने? हमारे लिए मेहनत करने वाली हमारी इस मौसी को अच्छे से रखना, इसके अलावा मैं भगवान से और क्या मांग सकती हूँ। अच्छा और तूने? मैं जल्दी से जल्दी डॉक्टर बनकर अपनी मौसी को रेस्ट देना चाहता हूँ, यही मन्नत मांगी है। और माँ तुमने? मैंने तो ये मन्नत मांगी है कि गंगा ही मेरी अगले जन्म में बहन बने। पता है क्यों? बच्चों को सिर्फ जन्म दिया है मैंने लेकिन इनका पालन पोषण सिर्फ तुमने किया है। अच्छी बात है, तुम सब लोग मेरे लिए मांगोगे तो तुम लोगों के लिए कौन मांगेगा? तुम हो ना। हा? हमारे लिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं है गंगा, क्योंकि भगवान के रूप में तुम हो ना हमारे साथ। पुजारी का दिए हुए प्रसाद में कोई पावर नहीं होता, पीछे जो प्रसाद है ना उसी में फुल पावर है। चल थू? थू? कर दिया? हाँ भाई। किसी को किसी बात की कमी नहीं। बिल्कुल भाई। क्या हुआ, तुझे भी प्रसाद चाहिए क्या? बकवास बंद करो, स्कूल कॉलेज और मंदिर के आसपास 1 किलोमीटर तक कोई बार नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून है। मैडम भगवान सिर्फ मंदिर में ही नहीं रहते, अरे भगवान तो हर जगह बसते हैं। अभी आई एक फिल्म में भगवान कहाँ कहाँ नहीं है यही बताया था उस फिल्म के हीरो ने। भगवान हर जगह होते हैं पर दर्शन के लिए लोग मंदिर में आते हैं, और मंदिर के सामने तुम्हें बार खोलने का लाइसेंस किसने दिया? रास्ते से मेरे होते हुए तुम यहाँ बार नहीं चला सकते, समझ गए ना? छोटे यहाँ क्या हो रहा है? अरे देखिए ना मालिक, तब से बहस कर रही है कि मंदिर के बगल में बार नहीं होना चाहिए। तू कौन होती है कहने वाली? पब्लिक। पब्लिक? हाँ आफ्टर ऑल पब्लिक। क्या कहा? आफ्टर ऑल
इलेक्शन आते ही घर घर जाकर भीख मांगकर वोट लेते हो और एमएलए बन जाते हो, इस आफ्टर ऑल पब्लिक की वजह से ही। तो जैसा कॉर्पोरेटर और एमएलए तो क्या चीफ मिनिस्टर की सीट हिला सकती है, पूरी की पूरी सरकार बदल सकती है अगर ये आफ्टर ऑल पब्लिक चाहे तो। सर जी, आपको वोट देने वाले आपके ऊपर पत्थर चला रहे हैं। बहन जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने तो इसे बस बाहर चलाने की परमिशन ही दी थी। आपने बताया तो पता चला कि इसने कितनी बड़ी गलती की। एक मंदिर के सामने ही इसने बार खोल डाला। हे, बार को पहले यहाँ से हटाओ। हाँ, हो गया, बार यहाँ से हट जाएगा। आप लोग जाइए जाइए, प्लीज जाइए। हे भगवान, बचा लिया। अरे मालिक, ये आपने क्या कर दिया? आप वहाँ पर एक इशारा कर देते तो उसे हम वहीं पे खत्म कर देते, कसम से। देखो कोटे, वो मैटर कोई चार दीवारी के अंदर का मैटर नहीं था। बड़ी होशियारी से उस लड़की ने पब्लिक के सामने हम पर हमला किया। ऐसी बातों पर आप चुप रहोगे ना तो हमारी उंगलियों पे नाचने वाले हमें उंगली दिखाएंगे। ये जनता है ना, उसे अपनी उंगली की ताकत का पता नहीं है कोटे। अगर वो इतने ही समझदार होते ना तो हमारा ये देश आज कहां से कहां पहुंच चुका होता। जनता एक तरह से इमोशनल फूल्स हैं। कुछ समय के लिए बहुत गुस्सा दिखाते हैं और अगले ही पल शांत भी हो जाते हैं। कोटे, अभी तो मेरा पार्टी प्रेसिडेंट के साथ संबंध अच्छा होते जा रहा है। इतना ही नहीं, उसके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी का रिश्ता पक्का करने वाला हूँ। इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम ऐसे छोटे मोटे झगड़ों में ना ही उलझे। अपनी इमेज को सुधारना होगा। डैडी, डैडी, चलो निकलो यहाँ से, जाओ। डैडी, 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 बोलो बेटी। कल हमारे कॉलेज का फंक्शन है। मैं उसमें परफॉर्म करने वाली हूँ। आप आइए ना डैडी। वेरी गुड, प्लीज डैडी। वेरी गुड, तुम परफॉर्म करने वाली हो। मैं आना तो चाहता हूँ बेटी, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि मैं राजनीति में कितना बिजी हूँ। अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो ले लो और अपने दोस्तों के साथ जाओ, एंजॉय योरसेल्फ, बट डोंट एक्सपेक्ट मी। ओके, नाउ गो एंड टेक रेस्ट। ओके डैडी। आज तुम्हें उस क्षेत्र में बैठाऊंगा जहाँ तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा। आग लगी हुई है, जल रही है मुर्गी, फार्म की मुर्गी, गांव की मुर्गी। स्वामी, मुझे क्षेत्र बुला रहा है, एंट्री कर लूँ क्या? उस क्षेत्र में बैठना इतना आसान नहीं है बालक, उसके लिए थोड़ा पूजा पाठ करना होगा। तुम ये कपड़ा पहन कर नहीं बैठ सकते बेटा। इसके लिए थोड़ा अलग गेटअप चाहिए राजा। तुझे ऐसे छोड़ दिया तो तू इस मुर्गा स्वामी को ब्रोकर स्वामी बना देगा। स्टैंड अप, गेट अप, चेंज। तू ऐसे दिख रहा है जैसे एनाकोंडा को लिपस्टिक लगा दिया गया हो। स्वामी, अभी क्षेत्र में एंट्री ले लूं क्या? तुरंत एग्जिट हो जाएगा ऊपर जाने के लिए। देखो बेटा, थोड़ी सी पूजा और बाकी है बेटा। क्या करना है स्वामी? 5 नारियल फोड़ना है बेटा। लाइए, फोड़ देता हूँ। सर पर मार सकते हैं क्या? हाँ मार लीजिए स्वामी। अब तुम क्षेत्र में जा सकते हो। जाना चाहते हो? हाँ तो जाओ जाओ, अब किसका इंतजार है? म्यूजिक। आइए आशीर्वाद ले लीजिए। तो कितने दिनों से चला रहा है तू ये नाटक? सबके पास से पैसे वसूल करके हर तरह से तूने टॉर्चर करता है। होंगी कहीं का, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोगों को फंसाएगा, बेवकूफ बनाएगा उन्हें, टॉर्चर करेगा तू। सर, वीकेंड में चिकन कोरमा, चिकन कुल्फी, चिकन फ्राई कहो तो भिजवा सकता हूँ। मुझे रिश्वत देता है? सर इधर देखिए, सर इधर देखिए, कोई चुपचाप बैठा हुआ है। तू क्या चुपचाप बैठा हुआ है? चल उठ जा, खड़ा हो। यही है हमारे गुरु, इन्हीं के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है, यही है गुरु। अरे खुला झूठ बोलता है। सबको अंदर ले चलो, सबको अंदर करो, चलो 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 जेल में चलो चलो। Oh,
है ना? गंगा क्या हो गया? कैसे गिरी? पता नहीं, गंगा चक्कर आ गया था। चलो 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 हॉस्पिटल लेकर चलते हैं तुम्हें। पेशेंट आप हो ना? हाँ, मैं डॉक्टर आपको अंदर बुला रहे हैं। ठीक है, आप बैठिए, मैं जाकर आती हूँ। ठीक है। डॉक्टर। ओ, आओ, आओ गंगा, बैठ जाओ। और कैसी है आपकी ऑन रोड लाइफ? अच्छी चल रही है सर, ऑटो ही लाइफ है सर। गुड। और हाँ डॉक्टर, आपकी कार रिपेयर हो गई? हाँ, रेडी हो गई। अब क्या हुआ डॉक्टर, आप क्यों इतना हिचकिचा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हम लाइफ में हर रोज अनेक लोगों से मिलते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में रिश्तों से जुड़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो लोग बहुत अच्छे होते हैं डॉक्टर। यस, यू आर राइट। ऐसे भले इंसान को जब ये बताना पड़े कि उसकी जान जाने वाली है, तो फिर एक डॉक्टर को भी बहुत तकलीफ होती है गंगा। डॉक्टर, अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो वो इंसान कौन है, ये बात मैं उससे बता दूंगी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। डॉक्टर, तुमने ठीक समझा, जो व्यक्ति ज्यादा दिन नहीं जीने वाला है वो कोई और नहीं, तुम ही हो। बीमारी बहुत कम लोगों को होती है, बट वेरी सीरियस। जब ब्रेन का एरिया धीरे धीरे वीक होना शुरू होगा, तुम अपनी याददाश्त खोने लगोगी, तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा और हो सकता है कि तुम धीरे धीरे कोमा में चली जाओ। उसमें से कुछ लोग कोमा में से बाहर आ जाते हैं और कुछ लोगों की मृत्यु कोमा में ही हो जाती है गंगा। गंगा, गंगा, अब बहुत जल्द ही हमें तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर, ऑपरेशन में कितना खर्चा होगा? 2 लाख तक खर्चा हो सकता है। अभी मैं तुम्हारे लिए एक टैबलेट लिख देता हूँ, जैसे ही दर्द शुरू हो तुम ये टैबलेट ले लेना, आराम मिलेगा। लेकिन ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन जल्द करना जरूरी है। ये लो बेटा, संभल कर रहना। थैंक यू डॉक्टर। गंगा, गंगा। हाँ भैया। डॉक्टर ने अंदर क्या कहा? डॉक्टर क्या बताएंगे भैया, मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। दिन रात ऑटो चला चला कर थक गई हूँ और कुछ नहीं। 60 साल, कितने पूरे 60 साल तक कोई बीमारी मेरे आसपास भी नहीं भटक सकती। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है। चलिए चलिए ना भैया, भैया चलो चले। चलो चलें क्या? हाँ भैया, और कहाँ जा सकती हूँ।
क्यों आए हैं? मुझे अर्जेंट 2 लाख रुपयों की जरूरत है, इसीलिए मैं अपना ऑटो बेच रहा हूँ। पर भैया, सिर्फ ये ऑटो बेचने से 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। एक काम करते हैं, मैं अपना ऑटो भी ले आती हूँ, उसे भी बेचते हैं, उससे आपकी समस्या हल हो जाएगी। समस्या मेरी नहीं है गंगा, डॉक्टर ने जो कहा वो सब मैंने सुन लिया। जिस माँ बाप ने पैदा किया उन्हें भी 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए आजकल के बच्चे 2 बार सोचते हैं, लेकिन एक तुम हो जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रही हो। भगवान भी कितना निर्दयी है गंगा, वो तुम्हें हम सबसे छीनने का जतन कर रहा है। ऐसा कैसे कर सकता है भगवान, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम्हें हर हाल में बचाने की कोशिश करूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा गंगा, मैं अपने दोनों ऑटो बेचकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। नहीं भैया, आपका बेटा पढ़ाई कर रहा है, हमारे घर में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन को चलाने के लिए ये ऑटो ही हमारा सहारा है, इसे बेच देंगे तो खाएंगे क्या? ओहो, अरे पहले जिंदा रहेंगे तब तो ये सब सोचेंगे। नहीं भैया, अभी तो मुझे डॉक्टर ने टेबलेट्स लिखकर दी है ना, ऑटो को बेचने का मत सोचिए, बस कुछ दिनों की ही बात है, बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे फिर सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद चाहे तो ऑटो बेचकर मैं ऑपरेशन करा लूंगी। लेकिन मेरी बात तो सुनो भैया, प्लीज। ओ, ओ, अच्छा ठीक है, आओ बैठो। अब सुनिए भैया, मेरी बीमारी की बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, वादा करिए भैया, आप वादा करिए मुझसे। अर्जुन, इस तरह से क्यों बैठा है अर्जुन? अर्जुन, आज कॉलेज क्यों नहीं गया? क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं हुआ मौसी, छोड़ो। अर्जुन, अरे मुझे बता तो सही क्या बात है? मौसी, मैं जिंदगी से परेशान हो गया हूँ। ऐसा क्या हुआ? ऐसे दिखा रही हैं, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। तू नहीं बताएगी तो हमें नहीं पता चलेगा क्या? दीदी, वो मैं जानती हूँ गंगा, दिन रात काम करने के बाद भी तुम अर्जुन के कॉलेज की फीस नहीं भर पा रही हो। गंगा, फीस भरेगा तो ही इसे कॉलेज अलाउ करेगा, ऐसे हमारे अर्जुन को कहा गया है, नहीं भरा तो नोटिस बोर्ड पे नाम चिपका देंगे, इसी डर से घर पर बैठा है। देखो गंगा, अर्जुन सिर्फ डॉक्टर ही बनना चाहता है, अगर आज इसकी फीस नहीं भरी गई, बाप रे बाप, तो पता नहीं इसके फ्यूचर का क्या होगा। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अर्जुन सिर्फ इतनी छोटी सी बात है, यहाँ सुन, तू कल कॉलेज भी जाएगा और फीस भी भरेगा। ओके मौसी। 13, 14, 15, अब मेरे पास तो सिर्फ 15 ही है। गंगा, 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 जिसका चेहरा इतना खिला रहता है आज वो उदास क्यों? अच्छा सुनो, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? यहाँ पर सभी लोगों की तुम मदद करती हो, फिर भला मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगा? बोलो क्या बात है? मुझे ये बताओ, तुम जानते हो ब्याज से पैसे कौन देता है? गंगा, हमारी सिर्फ इतनी कमाई है कि अगर ब्याज में पैसे लिए तो एक वक्त की रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। गंगा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर अर्जेंट जरूरत है। तुम कह रही हो अर्जेंट है तो कुछ सोचना पड़ेगा, एक आदमी है कामाक्षी टेंडर वाला, तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके वो तुम्हें ब्याज पे रुपया दे सकता है, लेकिन अगर सही समय पे नहीं लौटा है तो अंजाम बहुत ही बुरा होता है, फिर से एक बार सोच लो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चलो वहाँ चलते हैं। बाबू भाई, क्या रे मठे, क्या हाल चाल है, ये किसको लाया साथ में? ये मेरी पहचान की है, ये भी ऑटो चलाती है, इसे कुछ अर्जेंट पैसों की जरूरत थी। कितने पैसों की जरूरत है? 50,000 रुपया।
सही वक्त पर अगर पैसे नहीं लौटाए तो ये टिम्बर बाबू इसके लिए कौन सी सजा देता है, ये बात इसको बता दो। दिए है ना? बता दिया भाई। मीटर की तरह ब्याज है, तुम्हारे ऑटो के मीटर से भी तेज चलता है। मेरे दिल का मीटर उससे भी तेज चलता है। एक बार कमिटमेंट कर दूं तो मुकरने का सवाल ही नहीं है। किसी अकस्मात में अगर तुम मर भी जाओ तो कब्र खोद कर उसमें पैसे डाल दूंगी। शाबाश। मामू। ये यहाँ पर क्या कर रही है? पैसे मांगने आई है, दे रहा हूँ। तू क्यों दे रहा है इसे? इससे पहले ही हमारा बैलेंस चुकाना है, बहुत सारा। आज तो यहाँ आकर ये शेरनी फंस चुकी है। अपने ही मुंह से कह दिया कि मैं एक शेरनी। इस वक्त तू हमारे पिंजरे में फंस गई है, फूल मत। पिंजरे में हो या जंगल में, शेरनी शेरनी ही होती है। फिर से वही सब शुरू मत कर, वरना पता भी नहीं चलेगा किस गटर में पड़ा मिलेगा। चलो यहाँ से। घबरा गई क्या? घबराना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। याद रखना, मुझे डरना नहीं डराना आता है। गुरु, अपना पुराना झगड़ा यहाँ मत निकालो। आपको अगर पैसा देने की इच्छा हो तो दे दो, नहीं तो हम चलते हैं। तुम लोग यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। अरे तू मेरी छोड़ और अपनी सोच। बात समझ में नहीं आई? हमारी गंगा का ना एक हाथ तुझे पड़ेगा तो तुम्हारी बॉडी का क्या डैमेज होगा तुझे समझ में भी नहीं आएगा। उस डैमेज को मैनेज करने के लिए डॉक्टर कितने बैंडेज लगाएंगे वो नहीं पता। बात कर रही हो? इतने पुराने ऑटो के लिए तुम 60,000 लोन कैसे मांग सकती हो? हाँ, अगर बेचना चाहो तो मैं 50,000 दे सकता हूँ। देखो गंगा, अर्जुन सिर्फ डॉक्टर ही बनना चाहता है। अगर आज इसकी फीस नहीं भरी, बाप रे बाप, तो पता नहीं इसके फ्यूचर का क्या होगा। क्या हुआ? कोई अगर मुझसे पूछता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो मैं 4 नहीं कहती, उन्हें 5 कहती हूँ, ऑटो को शामिल करके। क्योंकि सर, वो मेरे लिए ऑटो नहीं है सर, मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरी रोजी रोटी है, उसके बिना मैं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है बेटी। ए संजना। सर। ये पकड़ो, एग्रीमेंट पर इनके सिग्नेचर लेकर इन्हें 50,000 रुपए दे दो। सर। सर, मेरी एक सहायता करेंगे? हाँ बोलो। ये ऑटो अगर आप किसी को भाड़े पर देना चाहते हैं, तो किसी और को मत दीजिएगा, मैं ही ले लूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, किश्तों में पैसे चुकाने तक तुम ही चलाओ और तुम ही EMI भरते रहो, हमें क्या है। ठीक है सर। वो भैया, वो अर्जुन की फीस भरनी थी तो मैं... तुम्हारी जान से बढ़कर अर्जुन की फीस है क्या, बताओ? ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार अर्जुन पास हो जाए, डॉक्टर बन जाए, तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी वो संभाल लेगा, मेरी बीमारी भी वो ठीक कर देगा। ऑटो ड्राइवर गंगा की फैमिली से तो डॉक्टर अर्जुन की फैमिली कहलाना कितना अच्छा रहेगा ना। ओ, बिल्कुल अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा।
काश गंगा मैं ये कह पाता कि तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूँ, लेकिन तुम हम सबसे दूर जा रही हो ये जानकर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। भैया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस गंगा को कुछ भी नहीं होगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आप चिंता मत कीजिए। भैया, कॉलेज में फीस भरने का टाइम हो गया है, मैं बाद में मिलती हूँ। क्यों बेटा अर्जुन, तुम्हारी मौसी ऑटो चलाकर तुम्हें पढ़ने को भेज रही है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं मैनेजमेंट से बात करके फीस कम करवा देता। अपनी मजबूरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, मैंने इसे यही सिखाया है सर। देखो बेटा, तुम्हारी मौसी तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हें बहुत मदद कर रही है, याद रखना। सर, रिसिप्ट उनको दो। मैडम लीजिए। थैंक यू सर, हम चलते हैं। मौसी, ये क्या है, यहाँ आने की जरूरत क्या थी आपको? देखो, आप अगर मुझे पैसे दे देती तो मैं ही फीस भर देता ना। ऊपर से आपने प्रिंसिपल से ये कह दिया कि मैं तो सालों से ऑटो चला रही हूँ। मौसी, इमेज खराब होती है ना इससे। ओ, इतने सालों से तुम्हारी मौसी ऑटो चलाती है, ये जानकर तुम्हारे फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे ना। सुनो अर्जुन, इंसान को जीने के लिए चोर, धोखेबाज, लुटेरा बनने से अच्छा है परिवार का पेट भरने के लिए इज्जत से रोटी कमाए, और मैं सालों से यही करती आ रही हूँ। ऐसा है तो मैं भी ऑटो ही चला के जी लूंगा ना मौसी। ऐसा नहीं है अर्जुन। अर्जुन, इस भूमि पर भगवान तीन रूप में रहते हैं, एक माँ के रूप में, एक गुरु के रूप में, और तीसरा डॉक्टर के रूप में। और तुम्हें ऐसा ही एक डॉक्टर बनना है, यही मेरा सपना है। तुम नहीं चाहते ना कि मैं यहाँ हूँ, तो ऐसा ही होगा। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। अब से ना मैं इस तरफ से गुजरूंगी भी नहीं, ठीक है? अब तुम खुशी से क्लास में जाओ, जाओ। हेलो, मैं अभी आती हूँ। कहाँ है? अंदर है दीदी। भैया, क्या हुआ, क्या हुआ इसे? कैसे बताऊं गंगा, इसने जहर पी लिया है। विक्रम, क्या हुआ, ऐसा क्यों किया? बहुत अच्छा लगा, इस शादी की सारी अरेंजमेंट देखकर मेरा दिल खुश हो गया। सब आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से रखा है सर। सर? हाँ? सर कह के क्यों बुला रहे हैं, हम और आप तो अब समधी हो चुके हैं। सर, अब हम रिश्तेदारी का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। चुप, सब लोग जरा बाहर जाइए। चलो 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 चलते हैं। विक्रम, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकते। विक्रम, जल्दी से आकर मुझे ले जाओ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जान बुजदिल लोग देते हैं। आप कौन बोल रही है? मैं हूँ गंगा, विक्रम ने मुझे सब बता दिया। हाँ? दीदी, दीदी, विक्रम के बिना मैं जी नहीं सकती। दीदी, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, तुम्हारी शादी विक्रम से ही होगी। हाँ, करूँगी। फिलहाल तुम कहाँ पर हो? अपने रूम में हूँ। अभी मैं उतरू क्या? मत मत मत, तुम रूम में रहकर ही आराम करो। ठीक है दीदी। अच्छा, ये बात और क्या, छोटी मालकिन रूम का दरवाजा नहीं खोल रही। देवराज जी, ये अचानक क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इट्स ओके, आ जाइए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, दरवाजा खोलो बेटी। दरवाजा ठोक रहे हैं। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस दरवाजा खोलना मत। ओके दीदी। हेलो, तेरी बेटी रूम में नहीं है, दरवाजा मत ठोक। कौन, कौन है तू? मैं कौन हूँ ये जानकर क्या करना है तुझे?
एक बार जाकर अपनी बालकनी में देख। ओ, ओ, लड़की तो भाग गए। मालिक, अगर सबको पता चला कि लड़की भाग गई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? तू अगर इस तरह से चिल्लाता रहा तो जरूर सबको पता चल जाएगा। अगर ये बात हमारे रिश्तेदार जान गए तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसलिए चुप रहे। तुझे आधे घंटे का समय देता हूँ, तब तक मेरी बेटी फिर से आकर मंडप में बैठ जानी चाहिए। वो तो मंडप में ही बैठी हुई है, कुमार पार्क के लक्ष्मी मंदिर में उसकी शादी करवा रही हूँ। अगर तू रोक सकता है तो आके रोक ले। कोटे मालिक, कोई लड़की मेरी बेटी को उठा ले गई है, उसकी किसी लड़के के साथ कुमार पार्क के लक्ष्मी मंदिर में शादी करवा रही है। वहाँ पर जितने भी लोग मिले उन्हें खत्म करके लक्ष्मी को लाओ। मालिक, अगर वहाँ शादी हो गई होगी तो गले में मंगल सूत्र हो तो उसे उतार कर फेंक देना, पर लक्ष्मी को लाना जरूर। ओम जय लक्ष्मी। एए, चलो सब जगह ढूंढो, छोटी मालकिन मिलनी चाहिए। माँ लक्ष्मी, कहाँ है आप माँ लक्ष्मी? भाग, फिलहाल अभी मंदिर बंद हो गया है, लेकिन तुम आ ही गए हो तो प्रसाद का भोग ले लो, संध्या समय देवी के दर्शन करके ही जाना। ले लो। क्या बात है देवराज जी, बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बात है, बहू अभी तक नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं हुआ जी, वो मुंबई से हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाया है ना, वो रेडी हो गई है, बस हाँ। बालों को संवारना ही बाकी है, किसी भी वक्त आती ही होगी। मालिक, मेरी बेटी मिली क्या? आपको किसी ने झूठी खबर दी है, यहाँ तो कोई भी नहीं है और यहाँ कोई शादी भी नहीं हो रही है। मेरे साथ खेल खेल रही है? हाँ खेल रही हूँ। मुझे मालूम था कि तू लक्ष्मी टेम्पल में जरूर अपने आदमी भेजेगा, इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी को यहाँ नंदी हिल्स में लेकर आई। क्या? नंदी हिल्स? अगर ताकत है तो यहाँ आकर शादी रुकवा। सीधे नंदी हिल्स जाओ। वो लड़की मेरी बेटी को नंदी हिल्स लेकर गई है, मुझे यहाँ टेंशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जल्दी से जाओ, मुहूर्त भी निकला जा रहा है। टाइम हो गया, चलो खुद लेकर आते हैं। अरे वो क्या? वो मैं बताता हूँ। मैं बताती हूँ। तो मुझे फोन तू ही कर रही थी? मैं ही थी। ऐ, मेरी बेटी कहाँ है? पीछे मुड़कर देखो। अरे बाप रे, ये तो अंदर ही थी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये शादी लड़की को मंजूर नहीं है, फिर भी ये जबरदस्ती इसकी शादी करवा रहा है। ये आपको बहकाने की कोशिश कर रही है। हम जैसे बड़े लोगों के पास से इन्हें पैसे मिले, इसलिए लड़कियां फंसाने वाले चीप लोग हैं ये। एए! लगता है तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से नहीं जानती। अच्छा है। होगा कि तू पहले मेरे बारे में जान ले। तुझे नहीं पता है कि मुझसे दुश्मनी तुझे कितनी महंगी पड़ेगी। तुम्हारे इलाके में आते ही मैंने अपने सर पर कफन बांध लिया था, अब चुपचाप अपनी बेटी की शादी विक्रम से करवा दे, वरना नहीं तो क्या कर लेगी तू? सोई हुई शेरनी को जगाने की हिम्मत मत कर, चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे तेरे। देवराज जी, कौन है ये, क्या चल रही है सब, आखिर बात क्या है, तुम्हें बताओ बेटी। धोखेबाज और अन्याय करने वाले लोगों के बीच में स्वाभिमानी लोगों के लिए कोई जगह नहीं। हम ऑटो चलाने वाले हैं साहब, बस लोगों की सेवा करना जानते हैं। सच्चाई जानना है तो हमारे रंगा भाई का बेटा और इसकी बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसने इन दोनों को अलग करने के लिए विक्रम की जान लेनी चाहिए। इसका बस चलता तो विक्रम आज जिंदा नहीं होता। चुप हो जा, झूठ बोल रही है ये लड़की, चुप हो जा। हाँ हो सकता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन सबूत है मेरे पास, अभी दिखाती हूँ। जग्गा, पूरी दुनिया में प्यार करने के लिए तुझे सिर्फ मेरी ही बेटी मिली थी क्या? डैडी, एक जमाने में मैं गली का गुंडा था, इस पोजीशन पर आने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं, कितना मैंने दिमाग लगाया है, कितने लोगों का गला घोटा है, कितने लोगों को काट डाला। आज मैं कॉर्पोरेटर हूँ और कल MLA, परसों मिनिस्टर,
उसके बाद इस राज्य का चीफ मिनिस्टर बनने का प्लान बना रहा हूँ। उसके लिए पार्टी के प्रेसिडेंट का सपोर्ट चाहिए और उसके लिए मैंने अपनी बेटी को बोटी बनाकर उसके लड़के के सामने फेंक दिया है। ये जो शतरंज का खेल मैं खेल रहा हूँ उसमें मुझे हर कीमत पर जीतना है, हर कीमत पर। प्लीज इसे मत मारिए डैडी, मैं उस पार्टी प्रेसिडेंट के बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। गुड, इसे यहाँ से ले जाओ और सेफली इसे घर पर छोड़ाओ। आजा बच्चे। चलो एक काम हो गया। उठा कर ले जाओ इसे और दूर कहीं जंगल में ले जाकर फेंक दो। तुम इंसान हो कि कोई राक्षस हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इतने बड़े क्रिमिनल हो ये बात मुझे आज तक पता नहीं थी। वो तो इस लड़की की बहादुरी की वजह से सबके सामने तुम्हारी सच्चाई पता चल गई, वरना सब बिगड़ जाता। मुझे फंसाया सिर्फ एमएलए बनने के लिए, तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। अगर भूल से मैं तुम्हारा समधी बन जाता तो मेरी इज्जत तो जाती ही जाती, साथ में मेरा पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो जाता। शट अप, मुझे माफ कर दे बेटी। सर ऐसा मत कहिए। चलो चले बेटा। उन्हें रोकेंगे नहीं आप? ये गंगा है, पापियों के पाप धोती है और जरूरत पड़ने पर उन पापियों को मिटा भी सकती है। मेरा छोटा सा एक काम करोगे क्या? क्या काम है ये तो बताओ मेरे यारा। बताती हूँ, काम ये है कि मुझसे शादी करना। अभी उसके बारे में बात मत करो, मेरे दोस्त के मिल जाने के बाद ही हम उसके बारे में बात करेंगे। हाँ क्यों? देखो बचपन से ही हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, सुख हो या दुख हो हम साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। हाँ हनीमून में भी ऐसा ही होगा और क्या। हाँ? अरे तुम इतनी चौंक क्यों रही हो? उसकी पूरी प्लानिंग वो करेगा और सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे। जब वो आ जाएगा हम शादी कर लेंगे, मुझ पे विश्वास करो। दोस्त, वो कोई मामूली लड़की नहीं है जो दूसरों की आंखों से खून निकालता है। उसकी आंखों से आज उसने आंसू निकाल दिए हैं। रेडी, उससे कहां मारोगे, कैसे मारोगे ये मैं नहीं जानना चाहता। मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं। उसके लिए तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बस उसकी राख मुझे गटर में बहानी है, यही मेरी ख्वाहिश है। ये कर्नूल रेड्डी उसे कहीं से भी ढूंढ कर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा और उसे जला कर उसकी राख तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा। अरे क्या कर रहे हो? कहाँ जा रही हो? मैं भी आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, क्या खा रहे हैं? आलू खा रहे हैं तो मैं भी खाऊंगा। अच्छी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। वहाँ देखो। अरे जरा धीरे धीरे, हम सब साथ होंगे। हाँ, ऐसा तो सोचा नहीं था। इन दोनों को साथ देकर बहुत खुशी हो रही है। तुम क्यों खुश हो रहे हो? ये बड़े घर की बेटी है सिंगापुर मलेशिया घूमकर आने वाली, बड़े बड़े होटलों में जाकर जो चाहिए वो खाकर आराम से रहने वाली। किस्मत की मारी, इसका तो नसीब ही फूटा है। मुझे तो बहुत सैड फीलिंग आ रही है। बंगले में बिरयानी खाने से अच्छा छोटे घर में सादा खाना सेहत के लिए अच्छा है। मेरे पास कार, बंगला, स्टार होटल सब कुछ था, फिर भी मैं अकेली रहती थी। शॉपिंग के लिए जो मन चाहे वो ले सकती थी, लेकिन मेरा दिल जो चाहता था वो कभी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ मुझे समझने वाला कभी कोई नहीं था। फैमिली फीलिंग क्या होती है ये आप लोगों को देखने के बाद ही मैं जान पाई। इस फीलिंग को मैं कभी छोड़ नहीं सकती। ओहो, इसके लिए तुम रो क्यों रही हो बेटी? अभी से तुम हमारे साथ हो, रोने की कोई जरूरत नहीं, हमेशा मुस्कुराती रहो। हा? देखो भाभी, हम बंगले में रहते हैं या झोपड़े में ये जरूरी नहीं है, जहाँ खुशी मिलती है वही जगह सही है। भाई भो रही गंगा, आपने देख लिया ना, अब मैं चलता हूँ। क्यों रोका? जीतू, उसे यहाँ लेकर आ। कोठी। बोलो ना भाई,
तू सोच क्या रहा है रे? मैं सोच रहा था कि इस सीन की एंडिंग कैसी होगी भाई। तेरे हिसाब से कैसा होना चाहिए? थ्री डी फिल्म को सिर्फ डायलॉग के साथ देख के मजा नहीं आएगा, उसके साथ अगर इफेक्ट रहेगा तो मजा भरपूर आएगा, जो आप अभी देखोगे। तू मेरे दोस्त की दुश्मन है ना, तो मेरी भी दुश्मन बन गई। मेरा दुश्मन बनने के बाद इस दुनिया में तेरे लिए जगह नहीं है। त्रेता युग में रावण आया, द्वापर में दुर्योधन आया, इस कलयुग में ये गोवर्धन रेड्डी आया। दुर्योधन हो या चाहे गोवर्धन, मुझसे उलझोगे ना महिषासुर जैसी हालत हो जाएगी। कोई नॉर्मल गुंडा नहीं है, अब तक उसने गंगा को राख कर दिया होगा।
चामुंडी को देखा होगा, दुर्गा देवी को देखा होगा, महाकाली को भी देखा होगा। उन तीनों की शक्ति को अगर मिलाया जाए सोच तो क्या होगा। कर्नूल नहीं, कश्मीर की बॉर्डर से भी गुंडों को बुला ले, फिर भी इस देश की औरत का वो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ए, तेरे अहंकार और ताकत को मिट्टी में मिला दूंगी। किसी ऑटो वाली से उलझना मत। आज के बाद से अगर तूने गलती से भी मेरी फैमिली की तरफ देखा या उन्हें टच भी किया, ये जो बॉटल तेरी आंख के बाहर है आंख के अंदर होगी। हनुमान जी, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, आज किसी भी तरह उससे मिलवा दो हनुमान। अरे ये क्या? अरे ये तो मेरा दोस्त है। ए, हट जा, छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो, भागो यहाँ से। मेरे दोस्त, देख 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 कौन है, मैं हूँ तेरा दोस्त, मैं। ये तुझे क्या हो गया मेरे दोस्त। हनुमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुचिको याद है आज तेरा जन्मदिन है, अभी मैं तेरी कटिंग शेविंग कराऊंगा, उसके बाद मैं तुझे सीधे अपने घर लेके जाऊंगा। चल चल आजा 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 आजा, अरे जल्दी चल कुचिको, चल चल आजा। देखो दोस्त इस प्लेट को देखो, हम दोनों साथ में खाना खाते थे, इसी प्लेट में खाते थे, याद नहीं आ रहा? इसे देख, याद आया, इस लोटे का इस्तेमाल हम दोनों मिलकर एक साथ क्या करते थे, ये भी याद नहीं है तुझे? जय 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 बजरंगी, जय 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 बजरंगी। दोस्त इसे पकड़, कुछ याद आ रहा है? दोस्त इसे देख के तुझे कुछ याद आया? देख ध्यान से देख। चिपाजी, क्या हुआ दोस्त? वो चिपाजी मुझे जंगल में लेकर गया था, जंगल के अंदर एक गुफा थी, उसके अंदर ले गया था। हाँ। एक चिपाजी नहीं, वहाँ 20 से ज्यादा चिपाजी थे, वो भी लेडी चिपाजी। तूने क्या उन्हें चेक किया था? अरे मैंने चेक नहीं किया, उन चिपाजियों ने मुझे चेक किया। रोज एक चिपाजी आकर मेरे साथ डांडिया खेलता था, और ऐसा 20 दिन तक हुआ, रोज एक आता था और डांडिया खेलता था। 20 दिन होने के बाद 21वें दिन सभी ने साथ मिलकर डांडिया खेला, उस दिन गई मेमोरी आज जाकर लौटी। छोड़ो, रहने दो, खुशी है कि तू मुझे मिल गया, तुझे नहीं मालूम कि मैंने तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा था। What happened? कार आगे नहीं जा सकती सर। ओह ठीक है, 2 रुपए करो। सुनो भाई, ये अर्जुन का घर कौन सा है? यही तो है। ओह अर्जुन, अर्जुन। नमस्ते सर। अर्जुन है क्या? अर्जुन तुमसे कोई मिलने आए हैं, आप बैठिए सर। नमस्ते सर, मेरा नाम अर्जुन है। ओह नमस्कार, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, जरा फैन ऑन कीजिएगा। करंट नहीं है सर। इट्स ऑल राइट, जरा पीने के लिए एक ग्लास पानी दीजिएगा। अनु कोल्ड वाटर। हमारे घर में फ्रिज नहीं है सर। ओह माय गॉड, ये कौन है? मैं कौन हूँ यही आप सब लोग सोच रहे हैं ना? दरअसल इसी राज्य में मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन पिछले 30 सालों से अमेरिका में सेटल्ड हूँ। अंदाज से अगर कहूँ तो 900 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे पास है। इतना पैसा है, लेकिन इसे संभालने के लिए सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही है। मेरी बेटी अमेरिका में MBBS की पढ़ाई कर रही है। देखिए एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपका बेटा अर्जुन कॉलेज में फर्स्ट आया है, ये बात मेरी बेटी को नेट से पता चला है। इसकी बुद्धिमानी और इसका फोटो उसे बहुत पसंद आए हैं। अब उसका ये कहना है कि वो आपके अर्जुन के साथ ही शादी करेगी। मेरी बेटी ने आज तक मुझसे जो कुछ भी मांगा है मैंने कभी उसके लिए ना नहीं किया। अब आप ही देखिए ना, मैंने इसके कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन किया, आपका एड्रेस लिया और फिर सीधे यहाँ चलाया। अब यहाँ देखा कि पानी को और बिजली को लेकर बहुत तकलीफ है उनको। अगर आप लोग मेरी बात मान लें
तो आप में से किसी को भी इस जगह पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कुछ समझी नहीं। अपने बेटे और मेरी बेटी की शादी के लिए अगर आप राजी हो जाएं, तो इस समस्या से आपको इसी समय इसी वक्त मुक्ति दिला दूंगा। इससे अच्छा रिश्ता हमें नहीं मिलेगा। हमारे कष्टों को देखकर ही उस भगवान ने ही ये रिश्ता भेजा है। भाभी देखिए, आप बड़े आदमी हैं। मेरे बेटे और आपकी बेटी की शादी करवाने आप अमेरिका से आए हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसकी शादी के बारे में मैंने अब तक सोचा नहीं, और इतनी बड़ी बात का मैं कोई फैसला नहीं लूंगी, मेरी बहन गंगा लेगी। गंगा, ओके, उनसे भी ये बात कर लीजिए। हाँ, तो फिर ये फोटो मेरी बेटी का रख लीजिए। बिल्कुल राजकुमारी के जैसे दिखती है, देखो ना। अर्जुन भी बुरा नहीं है, राजकुमार जैसा दिखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी राजकुमारी ऊंचे महल में रहती है और आपका राजकुमार स्लम में रहता है। मैं कल फिर आऊंगा, अपना फैसला बता दीजिएगा। हाँ। बाय बाय। यमुना, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तुम किचन में ही क्यों रहती हो? तो कहाँ रहना चाहिए? ये लो, तुम सिर्फ हाँ बोलोगी ना, जिंदगी भर के लिए बड़े घर पर तुम्हारा राज होगा। तो क्या मेरा राज होगा? और नहीं तो क्या, ऐसा बड़ा रिश्ता गूगल पर भी सर्च करोगी तो नहीं मिलेगा। नसीब चौकट पर आएगा और तुम लोग आंखें बंद करोगे तो लक्ष्मी बहुत डिसअपॉइंट हो जाएगी। देखो यमुना, अर्जुन की शादी करोड़पति बाप की बेटी से होगी तो वो भी खुद ब खुद करोड़पति बन जाएगा। सोचो, पैसा होगा, बंगला होगा, कार होगी, नौकर चाकर होंगे, हमारे बच्चे अच्छी तरह से सेटल हो जाएंगे। दुख हो या सुख हो, हमारी लाइफ तो ब्लैक एंड व्हाइट बन चुकी, पर हमारे बच्चों की लाइफ तो कलरफुल हो सकती है ना। थिंक अबाउट इट। हाँ, क्यों, इसी का सपना देख रहे हो? ओहो, इतना शर्मा रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा? तो जल्दी से डॉक्टर बन जा, वो भी डॉक्टर, तू भी डॉक्टर। बाद में तुम्हारे ससुर जी तुम दोनों की शादी करवाएंगे और अमेरिका में तुम्हें नर्सिंग होम खोल कर देंगे और तुम वहीं पर सेटल हो जाओगे। वो तो ठीक है, लेकिन मौसी को भी पसंद आनी चाहिए ना। अरे पागल, वो उसे क्यों पसंद करेगी? तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी। ऐसे लक को तुमने अगर मिस कर दिया ना, तो लाइफ लॉन्ग इसी झोपड़े में सड़ते रह जाओगे। फिर मत कहना मुझे। अच्छा रिश्ता आया है, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ये साल अर्जुन का फाइनल ईयर है, इसीलिए इसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई खत्म होने के बाद तो शादी कर सकते हैं ना मौसी। ओहो, साहब जी ने लड़की का फोटो देखकर ही ओके कर दिया है। मौसी, सिंगल ओके नहीं, डबल ओके। हाँ। भाभी, हाँ? आपको क्या लगता है? अब मैं क्या बोलूं बेटी, तुम जो कहोगी वही सही है। दीदी, हाँ? आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर आपको ये रिश्ता पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मौसी, थैंक यू मौसी। दोस्त, एक बार पुरानी हिंदी फिल्म में मैंने देखा था कि हीरो चला जाता है और हीरोइन उसका इंतजार करती है, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इतने सालों तक तुमने अपने दोस्त के आने का बेसब्री से इंतजार किया। तू मेरा दोस्त है, तू ग्रेट है, तू मेरा ग्रेट दोस्त है, ग्रेट, ग्रेट है, ग्रेट। मेरी बात सुन, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, भगवान ने तुझे मेरे जीवन में दोस्त बना के भेजा है। देखा जाए तो वो ग्रेट है। रो मत मेरे दोस्त, रो मत, तू बिल्कुल भी मत रो। भाई, आज तेरी शादी है, देखो देखो, तू बढ़िया सा परफ्यूम लगाकर जाकर मंडप में शान से बैठ, जाके बैठ। एक और बात, आज तेरा फर्स्ट नाइट है, आज तुझे ड्राई फ्रूट का जूस और उसमें नीम की गोली डाल कर देता हूँ। भाई क्या कहा? अरे तू इतना भोला है कि मैं तुझे कैसे समझाऊं? हो सके तो मैं उसमें ना भांग की गोली मिलाने की भी कोशिश करूंगा। वो क्यों? ए, अभी तुझे समझ में नहीं आएगा, अगर तेरा फ्यूचर ब्राइट रखना है तो फर्स्ट नाइट भी ब्राइट रहना चाहिए। लुटो टोपी पहनो, ये माला पहनो, कितना सोना सोना लग रहा है मेरा दोस्त, एकदम राजा पेटा लग रहा है। दूसरा हीरो आए है, ओली ओली। जा भाई, जा शादी कर, जा जा जा। माँ जी, देखो बेटा, मेरी प्यारी लाडली पोती के साथ तेरी शादी करवा रही हूँ और ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हूँ।
खुशी से रहना तुम दोनों। मेरे लिए तो थोड़ी सी खुशी भी काफी है, पूरी क्रिकेट टीम बना दूंगा। ऐसा ही करना। ठीक है माँ जी, तो ऐसे आपके हाथ में झुरिया। तू जाकर बैठ वहाँ। ऐसी तो बड़ा है हाथ। अंकल अंकल लेटर। तो मेरी शादी है। किसने दिया? आप ही के दोस्त ने दिया है। माई डियर जय, मैं तेरा चिगरी दोस्त वीरू ये लेटर लिख रहा हूँ। अभी तेरे साथ शादी करने वाली बसंती मेरे पास है, क्योंकि बसंती का वीरू के साथ रहना ही करेक्ट है। क्या हुआ पता है? एक दिन तू घर से बाहर गया था, बहुत बारिश हो रही थी। अब बसंती बारिश में भीग कर घर आई ही, उसे लगा कि घर में कोई नहीं है। मैं और मेरी दुल्हन आज से अपना रोमांस शुरू करेंगे। बाय बाय मेरे जय। देख क्या रहे हो बेटा, लैपटॉप ही तो है, ले लो ले लो ले लो, तुम भी ले लो। ये सब अभी किस लिए सर? देख सर। अरे अब नहीं तो और कब, ये आज की जनरेशन है, ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा। हमेशा कम्युनिकेशन में रहे इसके लिए आईफोन, इसकी एजुकेशन में मदद के लिए लैपटॉप, आपके लिए रेशमी साड़ी। लीजिए लीजिए लीजिए, लो तुम भी लो ना। मोबाइल देखो, वाह क्या कलर है। माफी चाहती हूँ सर, लेकिन ये सब आप वापस ले लीजिए। ये सारी चीजें लेना हमें पसंद नहीं है। ठीक है, आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, पर बच्चों को तो ले लेने दीजिए। नहीं सर, इस घर में हम सबकी सोच एक ही है, जो मुझे पसंद नहीं वो किसी को पसंद नहीं। ये बात है, तो फिर मेरे दामाद को लैपटॉप नहीं चाहिए क्या? मुझे चाहिए, फिलहाल जरूरत नहीं है। क्या है ये, कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, रख लो रख लो रख लो। नहीं सर। हेलो, तुम भी बिल्कुल। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप ये बताएंगे कि आप काम क्या करती हैं? ऑटो ड्राइवर हूँ सर। ऑटो ड्राइवर है? ऑटो ड्राइवर होकर के आपके अंदर इतनी ज्यादा अकड़ है? हम लोग ईमानदारी और इज्जत से रोटी कमाते हैं, और फिर अगर मैं ऑटो ड्राइवर हूँ तो इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है सर? गुड, मगर कल से आप लोग मेरे गेस्ट हाउस में रहेंगे, और इस बात से आप लोग मना मत कीजिएगा। गेस्ट हाउस? यस, इस अशोक बहादुर के साथ रिश्ता बनाने वाली ये फैमिली इस झोपड़ पट्टी में रहे जहाँ नहाने के लिए जगह नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, आई डोंट लाइक इट, आपके रहने के लिए हमारा विशाल बंगला है, टाइम टू टाइम खाना पकाने वाला कुक भी है, आपकी मदद करने के लिए वहाँ नौकर चाकर हैं, सिक्योरिटी के लिए कई सारे लोग हैं, हमारे बंगले के सामने 6-7 कार्स खड़ी रहती हैं, आपको कहीं भी जाना है तो आपकी सेवा में ड्राइवर तैनात है, एंजॉय। ऐसे स्लम में रह करके अगर हमारा दामाद पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया है, तो अगर वो हमारे उस गेस्ट हाउस में रहेगा तब तो पूरे स्टेट में फर्स्ट रैंक आएगा। विश्व के बड़े बड़े लोगों ने छोटे घरों में रहकर पढ़ाई नहीं की है क्या सर? तब भी उन्होंने नाम कमाया है। गरीब परिवार में जन्मे अब्दुल कलाम युवक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर पढ़ाई करनी हो तो झोपड़ी में भी हो सकती है, और अगर ना करनी हो तो बंगले में रहकर भी नहीं होगी। सिर्फ पढ़ाई की ही बात नहीं है, दुनिया में किसी भी क्षेत्र में साधना करने के लिए सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, आत्मविश्वास भी होना चाहिए। तुम्हारा डायलॉग सुनने सुनाने के लिए बहुत अच्छा है बेटी, पर किसी काम का नहीं है। आप जैसे बड़े आदमी को हम जैसे छोटे लोगों के रिश्ते समझ में नहीं आएंगे। हम अपने रिश्तों को प्यार से जोड़े रखना जानते हैं, और आप लोग हर रिश्ते को सिर्फ पैसों से ही तोलते हैं। हम आपके गेस्ट हाउस में रहने के लिए तैयार नहीं। एक ऑटो ड्राइवर मुझे स्कूल का पाठ पढ़ा रही है, छी। देखो, खुद अगर किस्मत चलकर सामने आए तो हाथ बढ़ाकर उसका स्वागत करना चाहिए। तुम्हारी इस जिद की वजह से जरा सोचो, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। अपनी बेटी की भविष्य के लिए मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सिर्फ इनकी बात नहीं है, तुम अपना ऑटो कचरे के डब्बे में फेंक कर हमारे साथ आ सकती हो। मैं बहुत सारे लोगों को खाना खिलाता हूँ, उसमें से 3 टाइम का खाना खिलाने में तुम्हें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चल उठ जा तू। क्या बोला? मैंने कहा उठ। चल निकल यहाँ से। अरे गंगा। दीदी आप कुछ मत बोलिए, क्या सुना नहीं तूने? चल निकल यहाँ से। ओके, जाता हूँ।
जाने से पहले तुमसे एक बात बताता हूँ, ये कभी नहीं सुधरेगी। इसके साथ रहोगे तो तुम भी कभी नहीं सुधरोगे। माइकल सर, उठाओ ये सब, चलो यहाँ से। ओके सर। साड़ी दीजिए मैडम। अरे इसे नीचे रखो और तुम बाहर जाओ। गंगा मुझे बात करने दो। सर 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 सर, आप एंग्री मत होइए, आप तो हमारे लिए भगवान हो। सुदामा के घर में आप कृष्ण बन के आए हैं। कुछ भी हो, हमारी गंगा ऑटो ड्राइवर है ना, उसे क्या पता कि आप लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। भाभी, तुम्हें जरा इसे समझाओ। गंगा, यहाँ पर गरीब और अमीर, अच्छा या बुरे की बात नहीं चल रही है। एक बड़े आदमी को इज्जत देना हमारा धर्म है गंगा। इज्जत चाहिए हो तो इज्जत देनी भी होती है। अगर मेरे स्वाभिमान की बात होगी तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। अपने अंदर के स्वार्थ को स्वाभिमान का नाम मत दो गंगा। भाभी, मौसी, आप में स्वाभिमान नहीं स्वार्थ है। मेरे लाए हुए कपड़े पहनने चाहिए, मेरी कमाई से ही खाना खाना चाहिए, जो मैं चाहती हूँ वही पढ़ना चाहिए, जो मैं कहती हूँ सिर्फ वही होना चाहिए। हर बात में सिर्फ मैं और सिर्फ मैं, ये स्वार्थ नहीं हो तो और क्या है मौसी। अर्जुन, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छा काम करने वाला बनना चाहिए, ये सब स्वार्थ नहीं है, ये सब प्यार है। ये प्यार नहीं है। इस घर में सिर्फ तुम्हारी ही चलनी चाहिए, सबको तुम्हारी बात माननी चाहिए, ऐसा सोचना ही स्वार्थ है। अनु, क्यों चिल्ला रही हो मौसी? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही, आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। क्या सही है क्या गलत है ये जज करना मुझे अच्छी तरह से आता है। वही तो, ये जो कर रहे हैं उसमें गलत क्या है? एजुकेशन अच्छी हो इसलिए इन्होंने लैपटॉप दिया है तो कुछ गलत किया है? स्लम में क्यों रहते हो, अच्छे माहौल में आकर रहो यही कहा, क्या ये भी गलत है? हाँ गलत है। इनके गेस्ट हाउस में इनके हिसाब से हम क्यों जिए? क्यों नहीं जीना चाहिए? आज तक तुम्हारे हुक्म माने हैं ना हमने? इसे क्यों मार रही हो? तुम अकेले कमाती हो इसीलिए इस घर पर अपना हुक्म चला रही हो ना? मेरे होते हुए अब ऐसा नहीं होगा, मैं भी कमा सकता हूँ, बाहर जाकर जीने की शक्ति मुझ में भी है। और एक बात, आपके रात भर ऑटो चलाने से मैं डॉक्टर नहीं बन रहा हूँ, हमने रात रात भर पढ़ाई की है इसलिए मैं डॉक्टर और ये इंजीनियर बन रही है, ये तुम्हारी जैसे इलिटरेट ऑटो ड्राइवर को कैसे समझ में आएगा? क्या है तुझे, शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह से बात करते हुए? ये कैसी बातें कर रहा है, किसने सिखाया? उसे जानवर की तरह क्यों मार रही हो? एक माँ का दर्द सिर्फ माँ ही जानती है, तुझे कैसे पता चलेगा? रास्ते में गुंडों के साथ झगड़ा करने वाली को बच्चों के प्यार के बारे में क्या पता? शादी करती बच्चे होते तो समझती कि रिश्ते क्या होते हैं। ये बात मत भूलना कि बच्चे मेरे हैं और ना कि तेरे। बहुत देर से सुने जा रहा हूँ, आपके मुंह में जो आ रहा है आप बकती चली जा रही है। लोगों के प्रति इसके दिल में कितना प्यार है आप जानती भी है? तुम अपना मुंह बंद करो, अब हर ऐरा गैरा हमें जीने का तरीका सिखाएगा। हा? इतनी बेइज्जती होने के बाद हम इस घर में एक पल नहीं रुक सकते। माँ, अनु, कहीं और जाके रहते हैं। अर्जुन, अर्जुन, गलती हो गई बेटा, गुस्से में हाथ उठा दिया, घर छोड़कर जाने की बात मत करो बेटा, तुम लोगों के बगैर जीने की ताकत नहीं है मुझ में। तुम्हें और झेलने की ताकत हम में नहीं है। ए, चलो। ए, अर्जुन, अनु, दीदी, दीदी रोको ना इन दोनों को। ये सब होने के बाद यहाँ पर क्यों रहेंगे, चलो चलते हैं। भाभी, दीदी, दीदी मुझे छोड़कर मत जाओ, दीदी मैं कुछ नहीं कहूंगी। जिंदगी का हमेशा से यही नियम है, माँ को बच्चों के साथ रहना पड़ता है। दीदी, भाभी, दीदी, दीदी, सुनिए, दीदी मुझे छोड़कर मत जाओ, छोड़ो मुझे, दीदी मुझे छोड़कर जाने दो, रुकिए, दूर हो जाओ, छोड़ो, दीदी, तुम चलो, दीदी, 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 रुकिए, सुनिए, नहीं, मुझे जाने दो, रुक जाइए, छोड़ो, छोड़ो, मुझे जाने दो, जाओ यहाँ से, दीदी मेरी बात सुनो, दीदी मुझसे गलती हो गई, दीदी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँ, दीदी मेरी बात सुनो, अर्जुन, दीदी, दीदी मुझे छोड़कर मत जाओ, दीदी मैं मर जाऊँगी, दीदी, दीदी, मैं तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकती, ए, तुम जाओ यहाँ से, अगर तुम्हारे साथ रहेंगे तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। दीदी, दीदी, दीदी नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ दीदी। दीदी, गंगा, दीदी, दीदी, हम्म।
वाह। इस करोड़पति अशोक बहादुर के फैमिली मेंबर्स बन गए हैं अब आप लोग। आप लोग इस तरह से रहेंगे तो मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इस घर की तरह आपका भी सेटअप गेटअप एवरीथिंग चेंज होना चाहिए। एवरीथिंग इज अरेंज्ड। शादी करती बच्चे होते तो समझती कि रिश्ते क्या होते हैं। कल मैंने गंगा को मंदिर में देखा, वो मुझे बहुत पसंद आई। लड़के के माँ बाप ने हाँ कह दिया, अगर आप भी हाँ कह दो तो गंगा की शादी इनके साथ तय कर देते हैं। हम लोगों को दहेज नहीं चाहिए, शादी का खर्चा भी हम लोग ही करेंगे। अब हमारी खुशी के लिए हम अपनी बहू को दो नेकलेस देना चाहते हैं। आप लोगों का दिल सच में बहुत बड़ा है, हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा हम करेंगे। हम भी लड़के को घड़ी अंगूठी चेन ये सब जरूर देंगे। तो एक शुभ मुहूर्त निकाल कर इनकी शादी जल्द से जल्द कर देते हैं। जो जो सामग्री मंगाई थी आ गई वो। श्रीनिवास ये क्या है दीदी, आप तो हमारे परिवार की खास हैं। शादी के दो दिन पहले आना चाहिए, मुहूर्त के वक्त आ रही है। ये क्या बात हुई, देखो ना। तुम अकेली यहाँ क्यों आई हो? देखो ना, माय हस्बैंड बहुत बिजी, मेरा ओनली चाइल्ड है, वो भी इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़ता है जो बहुत स्ट्रिक्ट है। लीव नॉट गिविंग ना। जाने दीजिए, आप तो आई है ना, वही बड़ी बात है। रिलेशनशिप है ना, बहन जो ठहरी इसकी। दीदी फ्रंट रो सिटिंग, फ्रंट रो सिटिंग, जाओ जाओ। अरे दीदी आई है, बैठाओ इन्हें। गंगा बहुत अच्छी लड़की है, वो सिर्फ मेरी साली नहीं बल्कि बेटी की जैसे है। गंगा दिल की बहुत नाजुक है, बड़े नाजों से रखा है हमने उसे, उसका ख्याल रखिएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज से गंगा की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपसे यही उम्मीद है। मैंने रिश्ता करवाया है आपने? अच्छा। मौसी, मौसी, मौसी। क्या हुआ बच्चों, आज आपकी शादी है? हाँ बेटा। मौसी आपकी शादी होने के बाद आप हमें छोड़कर चली जाएंगी? आप हमें छोड़कर जाएंगी तो हम स्नान करके रेडी करके स्कूल कौन भेजेगा? मौसी हमारे साथ कौन खेलेगा? हमें खाना कौन खिलाएगा? आप नहीं तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे मौसी। हाँ मौसी। सुनिए गाड़ी की चाबी दीजिए। क्या हुआ जी, इतने टेंशन में क्यों हो? दरअसल वो दूल्हे को देने के लिए घड़ी अंगूठी चेन वो सब मैं घर पर भूला। आप कैसे भूल सकते हैं, जल्दी जाकर ले आइए। संभल मैं बस अभी आया। शुक्लम भरद्रम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नौ पशान्तये। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, कन्या को बुलाइए। तुम आज बहुत सुंदर दिख रही हो। भाभी इसे मंडप में ले जाओगी? चलो। हेलो। हेलो। गंगा। नमस्ते। नमस्कार। बैठिए ना, आप भी बैठिए। अब मैं ठीक हूँ। भगवान को बहुत प्रिय थे वो, इसीलिए उन्हें अपने पास बुला लिया भगवान ने। एक बार सिंदूर दान का भाग्य निकल जाए तो दोबारा ऐसा भाग्य उसे बहुत मुश्किल से मिलता है, मगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम मान जाओ तो मैं अभी शादी के लिए तैयार हूँ। मेरी दीदी ने मुझे माँ बनकर पाला है और आज इस हालत में उसे मेरी बहुत जरूरत है, ऐसे में मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती।
कर दीजिए, मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। ये ध्यान रहे, इन्हें दवा और आराम की सख्त जरूरत है। इसे रखो, ये दवा इन्हें देती रहना। भाभी कहाँ जा रही हो? ऐसी हालत में ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए बेटी, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। हमें आपकी जरूरत है और आप इस तरह जा रही हैं? मतलब? जीजा जी के जाने के बाद दीदी अभी तक होश में नहीं आई है। इन दिनों उनको हमारी सख्त जरूरत है। उनकी सेवा करने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन इन बच्चों को, हाँ बच्चों को, दीदी के ठीक होने तक इन बच्चों को आप अपने पास रखकर पढ़ाएंगी तो मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। बच्चों को पढ़ाने का छोड़ो, उन्हें एक टाइम का खाना खिलाने की भी हिम्मत नहीं है मेरे पास। देखो तुम कैसे संभाल सकती हो, चलती हूँ। भाभी कोई है क्या घर पर? कौन है आप लोग? तुम्हारी शादी करवाने के लिए तुम्हारे जीजा जी ने ऑटो के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास गिरवी रखे हुए हैं। 2 महीने की मियाद पे 50,000 रुपया हमसे लिया था। देखिए, 2 महीने में आपने पैसा नहीं लौटाया तो आपका ऑटो हम जब्त कर लेंगे। समझ गई ना आप? चलो अच्छी बात है, लेकिन पैसा नहीं दिया तो गाड़ी लेके मेरे गैरेज में रखवा देना। मौसी। क्या हुआ? मौसी मौसी, डैडी तो नहीं रहे, मैं अब डॉक्टर कैसे बनूंगा? मैं इंजीनियर नहीं बन सकती ना। बोलो ना मौसी, मैं डॉक्टर नहीं बन सकूंगा ना। मैं भी इंजीनियर नहीं बन सकती मौसी। मैं अपने बच्चों को डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, वो अमीर लोगों के लिए है। ये क्या कह रही हो? 3 चक्के वाला रथ हमारे पास है, दिन रात मेहनत करके अर्जुन को डॉक्टर और अनु को इंजीनियर बना के रहूंगा। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगी। मैं पढ़ाऊंगी, मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। तुम इंजीनियर बनोगी और तुम डॉक्टर बनोगे। मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, मैं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी। मैंने क्या गलती कर दी भैया? वो लोग क्यों छोड़कर चले गए? मैंने उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मौसी मौसी, 7 जन्मों तक तुम ही हमारी मौसी बनना। अनु और अर्जुन ऐसा कहते थे, वो आज मुझे स्वार्थी कह रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? मुझे स्वार्थी क्यों कहा भैया? नहीं, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ भैया। दीदी कहती थी, गंगा इन बच्चों को मैंने पैदा किया है, लेकिन इनकी असली माँ तुम ही हो गंगा। कितनी बार कहा था मुझसे, वही दीदी मुझसे कह रही थी कि तुम माँ बनने का दर्द कैसे जानोगी, कैसे जानोगी। वो लोग मेरी जान है भैया। जब जान ही नहीं रही तो मैं कैसे जीऊंगी भैया, मैं कैसे जीऊंगी भैया, मैं नहीं जी पाऊंगी भैया। मत हारो, अपने आप को संभालो गंगा। नहीं जीना चाहती भैया। तुम्हें जीना होगा, खुद को संभालना होगा, संभालो गंगा। हर समय एक जैसा कभी नहीं रहता, ये दुख के दिन भी कट जाएंगे, संभालो अपने आप को, संभालो गंगा। ऐसा ही होना चाहिए अशोक बहादुर की फैमिली को, ऐसा ही। गुड, कलर ही नहीं थी उस झोपड़पट्टी में तो। ब्लैक एंड व्हाइट से सीधे कलर एरा में पहुंच गए हम लोग। अब देख लो,
सैंडलवुड, पॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, उन सबको छोड़कर सीधे हॉलीवुड में आ गए तुम सब। इस शहर के अंदर जितने भी क्लब्स हैं, फाइव स्टार होटल्स हैं, उन सबके मेंबरशिप बनवा दिए हैं। शहर में जितने भी बैंक्स हैं, उसमें अकाउंट्स खुलवा दिया है, एटीएम कार्ड भी मंगवा लिया है। तो जाओ जाओ, जहाँ भी जाओ एटीएम कार्ड लेकर के जाओ और फिर मजे करो। अर्जुन कॉलेज? ससु जी कॉलेज? कॉलेज? तुम कॉलेज क्यों जाओगे? नो, वो प्रिंसिपल ही अब तुम्हारी डिग्री लेकर के तुम्हारे कदमों में रख देगा। डोंट वरी। हाँ, एक गुड न्यूज और सुनाता हूँ तुम्हारे लिए। मैं अमेरिका में एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ, तुम्हें वहीं सेटल होना है। नाउ यू कैन गो एंड एंजॉय। शहर का कोई कोना भी मत छोड़ना। तुम उनके साथ क्यों नहीं गई? You are so handsome. Thank you. आपकी शादी के लायक एक बेटी भी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। Is it? Yeah. Thank you. आप फिर से ट्राई क्यों नहीं करते? लेकिन क्या? शादी के लिए। शादी कर लूं और मैं इस उम्र में लड़की कौन देगा मुझे? वैसे भी मुझे लड़की ढूंढने का टाइम नहीं है। आपको ढूंढने की क्या जरूरत है? हो सकता है कोई आसपास ही मिल जाए आपको। तो अब आप रिवर्स गियर में आ रही हैं? आप कहे तो फ्रंट गियर में आ जाओ। ओके ओके ओके, टॉप गियर में भी जाएंगे लेकिन वो किसी और दिन। अभी मुझे अर्जेंटली सीएम के पास मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं जाऊं। बाय। हेलो, डिनर के लिए जरूर आना। आंटी, हाँ आई बेटा। चाहत हमें नहीं दौलत की, दौलत है तू साथ हमारे हर दम ही रहना। समझाते हैं हम यूं। जीन्स पैंट है, टी शर्ट है, लॉन्ग स्कर्ट। अनु अर्जुन तुम्हें जरूर पसंद आएगा। गंगा दीदी, गंगा अनु अर्जुन दीदी, भाभी अनु अर्जुन, अर्जुन मौसी आओ अंदर आओ, आओ 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 जल्दी अंदर आओ। मौसी आपको छोड़कर हम नहीं रह पाए, इसीलिए वापस आ गए। अभी आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, ये वादा है मौसी। हाँ मौसी। हाँ गंगा, हमारी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई थी, अब हमें अपने गलती का एहसास हो गया है। हो सके तो हमें माफ कर दो। जाने भी दो ना भाभी, मुझे मालूम था कि आप लोग जरूर यहाँ आओगे, और मैं भी अकेली पड़ गई थी। आप लोगों के बगैर जीना मुझे आता ही नहीं। तुम ही मेरी ताकत हो, तुम सब आ गए हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हो रही है अर्जुन। दीदी मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अर्जुन आज तो तुम दोनों का बर्थडे है ना, इसीलिए मैं नए कपड़े लेकर आई हूँ। अगर तुम नहीं आते तो मैं ही वहाँ तुम दोनों के पास आती और तुम्हें मंदिर ले जाती। जरा रुको, ये देखो तुम्हारे लिए जीन्स पैंट टी शर्ट और ये तुम्हारा लॉन्ग स्कर्ट। दीदी मैं तुम सबके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ।
मैं खाना पका देती हूँ। कितने दिन हो गए साथ खाना खाए। ठीक है दीदी। ए, ये कलर कितना अच्छा है ना, जरा देख तू। और ये पैंट भी ठीक है ना, और ये टी शर्ट अनु कलर तो ठीक है ना। जाओ जाकर नहावा कर तैयार हो जाओ, उसके बाद मंदिर जाकर प्रार्थना भी तो करनी है। हाँ, और पूजा होने के बाद ना हम सीधा वो वहाँ डोसा खाने के लिए चले जाएंगे, अर्जुन को बहुत पसंद है। गंगा? हाँ भैया, देखो दीदी भाभी अनु अर्जुन सब लोग वापस आ गए हैं। मैंने कहा था ना ये लोग मेरे बगैर नहीं रह सकते। जरा देखो तो, दीदी भैया कह रहे थे कि तुम लोग कभी नहीं आओगे। हाँ गंगा, कौन है, कौन है यहाँ पर? ये किससे बातें कर रही हो तुम? क्या ये क्या हो गया तुम्हें? कौन कौन है यहाँ? यही तो थे सब, अनु अर्जुन सब लोग यहीं पर। तो यहाँ पर कोई नहीं है गंगा, सब तुम्हारा भ्रम है। नहीं नहीं, मैंने दरवाजा खोला था, सब लोग अंदर आए। तुम्हारा वहम है। गंगा, उन लोगों में से कोई यहाँ नहीं आया, और वो आएंगे भी नहीं। वो लोग तो तुम्हारे बारे में सोचते भी नहीं होंगे। मेरी बात सुनो गंगा, उनके बारे में दिन रात इस तरह सोच सोच कर पागल मत बनाओ खुद को गंगा। तो क्या करूं भैया, उनके बगैर मैं बिल्कुल नहीं रह पा रही हूँ। भैया आज हम दोनों उनके कॉलेज में जाएंगे और उन्हें ये कपड़े देकर आएंगे। भैया मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। भैया मैं तुझे कैसे समझाऊं? भैया प्लीज चलो ना भैया। ठीक है, जैसा तुम चाहो, रोना मत। चलो चलते हैं। नमस्ते सर। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ सर। आपका बेटा अर्जुन आजकल कॉलेज में ठीक से नहीं आ रहा, ऐसी रिपोर्ट मिली है। हाँ? उसकी तबीयत वगैरह तो ठीक है? हाँ। दरअसल एग्जाम्स आने वाले हैं ना बेटी, तो अटेंडेंस शॉर्ट होंगे तो एग्जाम में बैठ नहीं पाएगा। मैं उसे बता दूंगी। नमस्ते, नमस्ते। भैया अनु अर्जुन दोनों ही कॉलेज नहीं आ रहे हैं, चलो हम उनके घर चलते हैं। अरे गंगा, वहाँ जाकर क्या फायदा होगा? नहीं भैया, आज उनका जन्मदिन है, मुझे उन्हें ये कपड़े देने हैं। चलो ना भैया। तुम नहीं मानोगे, चलो। अरे रे रे, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? मैं यमुना जी से मिलने आई हूँ। अपॉइंटमेंट है आपके पास? अपॉइंटमेंट तो देखो, तुम्हारे जैसे यहाँ हजारों लोग आते हैं डोनेशन पाने के लिए। अरे हम लोग वैसे नहीं है, उनसे कहिए गंगा आई है, वो पहचानते हैं मुझे। मैडम, यमुना मैडम को ढूंढते हुए यहाँ कोई गंगा मैडम आई हुई है, कहती है उन्हें पहचानती है। गंगा जी? हाँ मैडम। ठीक है, सिर्फ गंगा को ही अंदर भेजना। ओके मैडम, आइए, आपको अंदर बुलाया। हाँ हाँ। ए तुम यहीं रुको, सिर्फ इन्हीं को अंदर जाने की इजाजत है। नहीं ये भी ये नहीं जा सकते। गंगा मैं यहीं रुकता हूँ, तुम जाकर आओ। लेकिन अरे तुम जाओ ना, जाओ जाओ। हेलो। क्यों गंगा, मेरा गेटअप देखकर तुम्हें शौक लगा क्या? मेरा हर काम करने के लिए यहाँ बहुत नौकर चाकर मौजूद हैं। वैरायटी खाना बनाने के लिए 5 स्टार के कुक्स अवेलेबल हैं। 2400 घंटे इस बंगले में एसी चलता है। हर किसी के लिए 2-2 कार्स रखी गई हैं। वॉक करने के लिए गार्डन है, रिलैक्स होने के लिए स्विमिंग पूल है, बॉडी के लिए जिम है। किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, ये एक तरह का गोल्डन हाउस ही है। अगर तुम उस दिन रोक लेती तो उसी झोपड़पट्टी में रहते, ये सुख हमें कभी नहीं मिलता गंगा। आप सब इतने खुश हैं, यही देखकर मुझे अच्छा लगा। ठीक है, क्यों आई हो यहाँ? बच्चों को देखने के लिए, आज इन दोनों का जन्मदिन है ना, उनके लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। बच्चों को देखने आई हो या फिर उसे बहाने से जैसे तैसे हमारे इस महल में सेटल होने के लिए तो नहीं आई हो? मेरा वैसा कोई इरादा नहीं है, अगर आप लोग मेरे पैर पकड़ेंगे तब भी मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अनु, ये तुमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं? नहीं बेटी, एक लड़की को अपनी मर्यादा कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ये तो रॉयल फैमिली का गेटअप है, जमाना बदल गया है गंगा, लेकिन अभी भी तुम टाउन मार्केट ही हो। हाँ, ऊपर कब आओगी पता नहीं। मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि अनु अर्जुन का बर्थडे है, मैं इनका बर्थडे मंदिर में मनाना चाहती हूँ। तू क्या मेरा बर्थडे मनाएगी? मेरे ससुर अशोक बहादुर जी ने
फाइव स्टार होटल में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का अरेंजमेंट किया है। तुम्हारी तरह मंदिर में नहीं बनाऊंगा अपना बर्थडे। ऐसा नहीं कहते अर्जुन, भगवान से बढ़कर तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। जरा देखो, मैं तुम लोगों के लिए नए नए कपड़े लेकर आई हूँ। कोई बात नहीं अर्जुन, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं तुम्हारे कॉलेज गई थी, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, अगर क्लास मिस करोगे तो एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। अच्छे, मैं कॉलेज क्यों जाऊंगा, मुझे एग्जाम देने की क्या जरूरत है। याद रखना, अशोक अशोक बहादुर का दामाद हूँ, उसके मुंह पे पैसा फेंकू तो कॉलेज का प्रिंसिपल डिग्री लेकर मेरे पैरों के नीचे पड़ा रहेगा। ऐसी ही चलती है दुनिया। गलत बात है अर्जुन, विद्या का कभी अपमान नहीं करते, चाहे कितनी भी धन दौलत क्यों ना आ जाए। हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान को अपने पास नहीं बुलाते बेटा, ये सोचना भी गलत बात है। Stop it. पैसा है तो परमात्मा, थोड़े पैसे फेंको तो भगवान भी सिर्फ हमारे बारे में ही सोचेगा। सुपर सुपर सिस्टर। अर्जुन, तुम डॉक्टर बनने वाले हो और तुम खुद ही सिगरेट पी रहे हो। अब सिगरेट पीना, अल्कोहल पीना, इस जमाने में रिच पीपल के लिए रिस्पेक्ट की बात होती है। अर्जुन, नहीं अर्जुन, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो। मैंने दिन रात मेहनत करके बड़ी मुश्किल से तुम लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के सपने। शट अप। तो यहाँ तुम पैसे मांगने आई हो। तुमने अभी तक हमारे ऊपर जो भी खर्च किया उसका पाई पाई का हिसाब दो। मेरा ससुर वही पैसा ब्याज के साथ तुम्हारे मुंह पे मार देगा। पैसा हमेशा काम नहीं आता, पर विद्या जरूर काम आती है। तुम्हें कॉलेज जाना ही पड़ेगा, अपने पिताजी का सपना पूरा करना होगा। दीदी दीदी, तुम तो खुद समझाओ इसे। उनका भविष्य वो समझेंगे, तुम जाओ। नहीं दीदी, चलो अर्जुन, चलो अनु, मैं कॉलेज छोड़कर। तुम हमें कॉलेज लेकर क्या जाओगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। जल्द डॉक्टर बनकर मैं अपनी मौसी को रेस्ट देना चाहता हूँ, यही मन्नत मांगी है मैंने। गंगा, अगली बार हमारे घर के सामने से मत गुजरना, निकल जाओ यहाँ से। भैया तुम चुप रहो नालायक। नहीं भैया, अपनी ही मौसी के ऊपर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, सब कुछ भूल गया, तू इंसान नहीं जानवर है। ए बुढ़ऊ, खुद को टीचर समझता है क्या, जो मुझे सिखा रहा है इसके साथ साथ तुझे भी धक्का मार के निकाल दूंगा। मैंने उस दिन गंगा से कहा था जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना जरूरी है, फिर भी आप लोग इतने दिनों तक नेगलेक्ट किए, उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है, पता है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप कैश काउंटर पर 2 लाख रुपए जमा कीजिए, जल्दी जल्दी। ये लीजिए। बेटी क्या कर रही हो? आज मेरे गले में ये मंगलसूत्र, उन्हीं की वजह से। मेरे लिए उनकी जिंदगी से ज्यादा ये मंगलसूत्र कीमती नहीं है, सोच क्या रहे, इसे पहनाइए। ये लीजिए पिताजी, और दीदी का ऑपरेशन करवाइए। हे, स्टॉप, गाड़ी रोको। ये कार किसकी है? अंधे हो?
मैं हूं ना यहाँ, क्या मैं कार का ओनर नहीं दिखता तुम्हें? दिख तो रहे हो, जरा डिक्की ओपन करके दिखाओ। ओह माय गॉड, शिट सर, ये सब मेरे कार में कहां से आया मुझे नहीं पता सर। कांस्टेबल अरेस्ट हिम। सर मैं कौन हूँ शायद आपको पता नहीं है सर। कौन है तू? मैं अशोक बहादुर का दामाद हूँ। आपके बारे में अगर मैंने उन्हें फोन पर बता दिया ना तो आपका क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। ये अशोक बहादुर कौन है? ए, फोन लगाओ से। कम ऑन, कम ऑन, फोन लगाओ से। सर द नंबर यू हैव कॉल्ड डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा बोल रही है सर। सर माय गॉड, 12 o'clock। कल की पार्टी बहुत लेट चली, टायर्ड हो गई हूँ मैं तो। इतनी देर हो चुकी है, नो बेड कॉफी। यमुना क्या हुआ भाभी? यमुना 12 o'clock हो गए, नो कॉफी कमिंग। देखती हूँ। जॉनी कौन है वहाँ? ए, अंदर क्यों घुसे जा रहे हो? Who are you? क्यों दिख नहीं रहा कि हम पुलिस वाले हैं? वो तो हमें दिख रहा है। No permission। तो इनकमिंग क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना कि इस बंगले में तुम लोग लड़कियों को लाकर धंधा करवा रही हो, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली। ये क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? बकवास है या सच पता चल जाएगा। कांस्टेबल सर्च करो। अरे कहाँ जा रहे हो? उस तरफ देखो, बाहर निकल रहे। चल बाहर निकल, चलो नीचे, चलो चल नीचे। कौन है ये लोग? क्या कर रहा तू? चल नीचे। यहाँ बैठे हुए सब गलत काम कर रहे हैं। ये लोग कैसे आए यहाँ पर? चलो इंस्पेक्टर, हमें कुछ नहीं मालूम। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और तुम क्या मुझे धोखा देना चाहती? इंस्पेक्टर ए, कौन हो तुम सब लोग? मैडम आपने तो कहा था यहाँ पुलिस का कोई लफड़ा नहीं है। क्या बकवास कर रहा है तू? हमारे रहते कानून हाथ में लेती है। इंस्पेक्टर तुमने मुझ पर हाथ उठाया? तुम्हें पता नहीं हम लोग किसके साथ है? पता कौन है वो? कौन है तेरे साथ? कौन है मेरे साथ? पता कौन है तेरे साथ? ऐसा कह रहा है? रुक, अभी बताती हूँ। अशोक बहादुर को फोन करती हूँ। ओह, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। बता तेरा साथीदार कौन है? नो। और इसका? इसका भी नो। पैसे के लिए तुम लोग गंदे काम करती हो, ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ओह इंस्पेक्टर, ये झूठ है। तुम्हारे हिसाब से तो सारी दुनिया झूठी है। कांस्टेबल सबको ले जाकर लॉकअप में डाल दो। ए, चलो चलो सर, 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 यहाँ पे क्या हो रहा है सर? शहर के बीच आउटर रिंग रोड में मशीन गन और रिवॉल्वर बेचने वाले को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जो कि छुपके से शहर छोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये लड़का मेडिकल का स्टूडेंट है जो सप्तगिरी कॉलेज में पढ़ता है, उसका नाम अर्जुन है, ऐसे पता चला है। अभी अभी हमारे सूत्रों से पता चला है कि एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में पैसों के लिए लड़कियों का धंधा करने वाली यमुना और मंदाकिनी नाम की दो औरतों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त वे दोनों पुलिस इंस्पेक्टर आदित्य के कस्टडी में हैं। पुलिस का मानना है कि उन्होंने ये धंधा कुछ दिनों पहले ही शुरू किया था। ये सब क्या हो गया अर्जुन? वो गंस मेरी कार में कहां से आई मुझे नहीं पता मौसी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है मौसी। मुझे पता है अर्जुन, तुमने कुछ नहीं किया। रोमन रोमन, दीदी कहाँ है? बगल वाली सेल में। दीदी दीदी, ये क्या दीदी, मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती क्या? गंगा गंगा गंगा, ओ, ये क्या कर रही आप? उठिए उठिए दीदी, ये सब क्या हो गया? तो हमारे लिए बिल्कुल भगवान समान थे और हमने तेरा साथ छोड़ दिया, उसकी सजा तो हमें मिलनी ही थी। नहीं दीदी, हमने जो गलती की थी
उसकी सजा हमें मिलनी ही चाहिए थी। आप लोगों को बचाने के लिए तो गंगा यहाँ आई है। गंगा? मैं आप लोगों को इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी दीदी है, ये मेरी भाभी और ये मेरी दीदी का बेटा है, ये मेडिकल स्टूडेंट है। ये तुम क्या कह रही हो गंगा? कितने लोगों को इंस्पिरेशन देने वाली तुम कहाँ और समाज को बर्बाद करने वाले ये लोग कहाँ? नहीं सर, ये लोग बहुत अच्छे हैं। सच कह रही हूँ, ये लोग कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। कहीं कुछ तो गलत फहमी हुई है सर, मैं सच कह रही हूँ, ये लोग बहुत अच्छे, इन्हें छोड़ दीजिए सर प्लीज। सॉरी गंगा, ये लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं। चाहे गलती करने वाला कोई भी हो, कानून के सामने वो गुनहगार ही रहता है। सर, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है सर। इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी। दीदी आप घबराइए मत दीदी, जब तक ये गंगा जिंदा है आपको कुछ नहीं होगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। दीदी अनु कहाँ है? वो कहाँ है हमें कुछ नहीं पता, इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हो गया, उसकी खबर लेने का मौका ही नहीं। रो मत दीदी, चाहे वो कहीं भी हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। हेलो। हेलो, मैं ऑटो वाला शिव बोल रहा हूँ। हाँ शिव बोलो। दीदी अनु का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? हाँ दीदी, अभी अनु को हम NRI हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप भी जल्दी से आ जाइए दीदी। मैं भी आई। मैडम एक्सीडेंट केस है, पेशेंट का नाम अनु है, कौन से वार्ड में है? एक सेकंड चेक कर रही हूँ। सॉरी मैडम, ऐसा कोई पेशेंट यहाँ एडमिट नहीं है। हेलो। हेलो दीदी, मैं शिव बोल रहा हूँ। हाँ शिव बोलो, कहाँ हो? मैं NRI हॉस्पिटल में हूँ, वो यहाँ एडमिट नहीं है। हाँ दीदी, हम लोग वो ट्रैफिक में फंस गए थे, इसीलिए उसे अरुणोदय हॉस्पिटल में एडमिट किया है। अनु को कुछ हुआ तो नहीं है ना? दीदी आप जल्दी आइए बस। हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। सुनो, अरुणोदय हॉस्पिटल के अंदर ही हूँ मैं, तुम कहाँ हो? वहाँ क्यों है दीदी, हम लोग विक्टोरिया हॉस्पिटल में आ गए हैं। क्या कह रहे हो तुम? नहीं नहीं नहीं, विक्टोरिया हॉस्पिटल नहीं, अच्छे केयरिंग हॉस्पिटल में आ गए हैं। अरे आखिर में वो भी नहीं चाहिए सोचकर अभी वेगस हॉस्पिटल में आ गए हैं, मगर अभी गोटे हॉस्पिटल में हूँ। जल्दी आ जाइए दीदी। जाओ रहा छोड़ो मुझे। अच्छा छोड़ो, चल अंदर। ए क्या कर रहे हो? छोड़ो। ए कौन हो तुम लोग, मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? बहादुर अंकल। अंकल ये मैं वो अशोक अंकल नहीं हूँ, बैड मैन। किडनैप हुई हो तुम बेटा, धंधा है ये मेरा, खड़े होकर देख क्या रहे हो? चलो हो जा। और घिनौने झोपड़पट्टी में रहने वाले ऑटो ड्राइवर के साथ
मेरी बेटी की शादी करवा के तूने मेरी पूरी इज्जत मेरी शान को मिट्टी में मिला दी है। तुझे मारने के लिए रावण नहीं और ना ही दुर्योधन, तुझे मारने के लिए शकुनी की जरूरत थी और इसीलिए इस शकुनी को मैंने तेरे घर पर भेजा। तेरी पूरी फैमिली को तेरे खिलाफ किया और अब उन्हें गलत इल्जाम में फंसा कर पूरी जिंदगी जेल में तड़पने के लिए छोड़ दिया। सिर्फ तेरी भांजी रह गई है, उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। देख कैसे बेहोश पड़ी है, इसकी जवानी को मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। नेट वर्ल्ड में मैं इसे फेमस करूंगा। रास्ते पर चलता हर इंसान इसके मुंह पर थूकेगा। उसके बाद मुंबई के रेड लाइट एरिया में इसे पार्सल करवा दो।
गया है। इस धंधे को चलाने वाले कॉर्पोरेटर देवराज को गिरफ्तार किया गया है। बेकसूर अर्जुन, यमुना और मंदाकिनी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। मौसी, अनु, क्या हुआ अनु? क्या हुआ? क्या हुआ अनु? मौसी को देखना है। चल, कहाँ है? चल, क्या हुआ? गंगा? कौन गंगा? मेरी बहन गंगा। तुम अपने मुंह से गंगा का नाम मत लो, गंगा पवित्र हो जाएगी। अरे तुम लोगों के लिए दिन रात एक करके ऑटो चला चला कर उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, और बदले में तुम लोगों ने क्या किया? अपने पेट से जने बच्चे के लिए जो माँ नहीं करती, उस औरत ने तेरे बच्चों के लिए वो सब कुछ किया और तूने उसे पराया कर दिया। तेरे इकलौते बेटे ने तुझे तो घर से बाहर निकाल दिया था, फिर तू यहाँ आई। तुझे कोई नहीं चाहता था, तब भी गंगा ने तुझे अपने घर में पनाह दी और तूने उसी का घर तोड़ दिया। बेटा अर्जुन सुन, डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन जल्दी करो, नहीं तो आगे चलकर उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये बात जानते हुए भी गंगा तुझे डॉक्टर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती रही, और उसके त्याग का बदला तूने कैसे चुकाया? तेरे हाथों में वो डॉक्टर का स्टेथोस्कोप देखना चाहती थी, लेकिन सिगरेट, विस्की, ब्रांडी की बोतल हाथ में लेकर तूने तो उसे जीते जी मार डाला। हमारी गंगा अगर 10 मिनट भी तेरे पास देर से पहुंचती ना, तो सोच तेरा क्या हाल होता। इंटरनेट पर, टीवी पर, हर जगह तेरी इज्जत बिक रही होती बेटी। अपनी गंगा देवी थी हमारे लिए, देवी। उसके साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। उस बीमारी से उसका गला सूखता गया, ब्रेन डेड होता गया, शरीर कमजोर होता गया, फिर भी उसने तुम लोगों को कुछ नहीं बताया। अपने गम को छुपाया, अपने दर्द को छुपाया, ताकि तुम लोगों को हमेशा खुश रख सके हमारी गंगा। भाई साहब, डॉक्टर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर आई एम सॉरी, गंगा को हम नहीं बचा पाए। गंगा! गंगा, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकती। गंगा, गंगा, मौसी, मौसी, गंगा, मौसी, गंगा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमारी इस गलती की सजा तुमने अपने आप को क्यों दी? हमें छोड़कर मत जाओ गंगा, मत जाओ गंगा। गंगा।